हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इधर उधर की बातें। और आज फाइनली 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 जब से इधर उधर की बातें शुरू नहीं भी हुआ था तब से हम अपने इस गेस्ट के पीछे पड़े हुए थे कि क्या आप हमारे एपिसोड में आएंगे, क्या आप हमारे गेस्ट बनेंगे, पर भाई के पास टाइम नहीं था। भाई VVIP है, ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात हमने फाइनली इनको बुला लिया है हमारे पॉडकास्ट में, फाइनली ये आ गए हैं। तो एक शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं। रिश्ते में तो ये हमारे छोटे भाई लगते हैं, नाम है अनुपम चौहान, और प्रोफेशनल लेवल पे भाई बनने चाहते थे वॉलीबॉल प्लेयर, पर किस्मत के फेर ने इन्हें लेकर आ गया है बैंक की तरफ, और ही इज़ अ बैंकर नाउ। और प्रोफेशनल लेवल पे भाई ने MBA किया हुआ है, तो फाइनली बैंकर साहब वॉलीबॉल, मिस्टर वॉलीबॉल, आई कॉल हिम मिस्टर वॉलीबॉल क्योंकि ही विल ऑलवेज बी माई फेवरेट वॉलीबॉल प्लेयर। बहुत बढ़िया खेलता है भाई, और वॉलीबॉल का इसका बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है। हमेशा से मैंने इससे रिक्वेस्ट किया था कि तू अपनी जर्नी शेयर कर, क्योंकि मैंने हर एक अप्स एंड डाउन्स और जहाँ से इसने शुरुआत की थी वहाँ से अभी तक आने का इसका सफ़र सामने से विटनेस किया था। और कहीं ना कहीं हर एक प्लेयर जो फेस करता है वो मैंने उसको फेस करते हुए देखा है, और मैं ये चाहूँगा कि वो अपनी जर्नी शेयर करके हर एक जो अपकमिंग अगर कोई जूनियर है जो गलतियाँ वो किया वो बच्चे जो अभी जो नए जो बच्चे आ रहे हैं वो लोग ना करें। तो हम जानेंगे आज उसकी जर्नी, सीखेंगे नई बातें, और चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, आज का पॉडकास्ट ना थोड़ा सा फॉर्मल टाइप का नहीं रहेगा, इनफॉर्मल रहेगा। भाई भाई बातें बातें कर रहे हैं तो थोड़ा वैसा रहेगा, तो थोड़ा अप डाउन हो सकता है, देख लेना, तो ज़्यादा जज मत करना प्लीज़। तो अनुपम भाई कैसा, क्या बोलते भाई? तो तुम हमको बोलते हो नहीं, तो नाम लेके ही बात करते हो, बोलना पड़ता थोड़ा सा। हाँ, have some respect, हाँ, पॉडकास्ट में थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनता है। बच्चे लोग देख रहे होंगे ना। हाँ, बच्चे के बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, बड़ों की रिस्पेक्ट। मैं हाइट में बड़ा हूँ, बट एज में थोड़ी रिस्पेक्ट तो अच्छा। इंट्रो में मैंने एक चीज मिस कर दी थी, इसमें इंट्रो में वॉलीबॉल प्लेयर, हम लोगों का जो मेन का आज का जो टॉपिक है वो वॉलीबॉल से रिलेटेड है। इसकी जो वॉलीबॉल की जर्नी रही है वो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में मैंने ब्रीफ इंट्रो देना छोड़ दिया था। मैं उसका वॉलीबॉल से रिलेटेड एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। भाई ने 2 नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका है, मल्टीपल टाइम्स स्टेट्स में खेल चुका है, सिवनी, नागपुर, इंदौर की टीमों को भी रिप्रेजेंट कर चुका है भाई ने। तो वॉलीबॉल में काफ़ी सारी अच्छी अचीवमेंट्स भाई ने की हुई हैं, तो उसकी वही सारी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। कहाँ से पहुँचा वो, कैसे पहुँचा, क्या चैलेंजेस फेस किया, सभी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये बता कि वॉलीबॉल की जर्नी तेरी शुरू कहाँ से हुई थी, मतलब किस एज से वॉलीबॉल, कैसे मतलब पता चला, कहाँ से पहुँचा वॉलीबॉल? इंडिया में जैसे क्रिकेट का बड़ा ट्रेंड है, सब क्रिकेट की तरफ ओरिएंटेड है, कुछ लोग फुटबॉल हॉकी में होते हैं, वॉलीबॉल अभी भी उतना नोन स्पोर्ट्स नहीं है, माना मतलब जैसे एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। तेरी जर्नी मतलब वॉलीबॉल से कैसे जुड़ी? देखिए, वॉलीबॉल में तो ऐसा है कि वॉलीबॉल ऑलमोस्ट इंडिया में हर कोई जानता है, बट एक जो प्रोफेशनल लेवल पे जो वॉलीबॉल खेला जाता है वो मतलब हर किसी को नहीं पता। तक नॉर्मल आप हर जगह देखेंगे एक नेट लगा रहता है, लोग खेलते हैं वॉलीबॉल, ऐसा नहीं, इंडिया में भी काफी पॉपुलर है, बट एक जो प्रोफेशनल लेवल पे होता है और जो नॉर्मल इंडियन सिटीजंस खेलते हैं उसमें काफी डिफरेंस है। लाइक जो प्रोफेशनल लेवल है एकदम टोटली मतलब काफी डिफिकल्ट है, मैं तो ऐसा बोलूंगा, लाइक जो बेसिक खेलते हैं उससे काफी डिफिकल्ट है, काफी चेंजेस है। सो जैसे सारे इंडियन सिटीजंस खेलते हैं अपने नॉर्मली, कि जैसे कहीं भी गली में नेट लगा हुआ है खेलते हैं, तो मैं भी वैसे एकदम स्टार्टिंग में मेरे नाना जी थे तो वहाँ क्लब में उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है, मतलब ऐसा वॉलीबॉल मेरे लिए पहले से बचपन से नॉन गेम टाइप का था कि कैसे खेलते हैं, पता था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा नहीं था कि एकदम इस अभी मतलब जिस लेवल पे मैं अभी पहुंच गया हूँ तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना प्रोफेशनली कभी वॉलीबॉल, इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे बचपन से, जस्ट अनदर गेम वाला चीज था। ऐसा था कि चलो ठीक है, स्पोर्ट्स है, अच्छा है, एक आना चाहिए, लाइक जैसे क्रिकेट है, ये है, तो बचपन में वैसे भी रहता था। मतलब अपन लोग बचपन में क्रिकेट बहुत खेले, मतलब सुटते पिटते तक क्रिकेट खेले हमने, तो ऐसा कभी ऐसा ओरिएंटेशन कभी ऐसा दूसरे स्पोर्ट में उतना रहा था, कोई था नहीं, फैमिली में भी कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, वॉलीबॉल से रिलेटेड था। सो सबसे फर्स्ट स्टार्ट मेरी वॉलीबॉल की हुई, एक मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड बोलेंगे तो सीनियर था मेरा स्कूल में, सो वो काफी अच्छा खेलता था, उसने नेशनल वगैरह ऑलरेडी खेल चुका था, नाम 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 लेना चाहिए ऐसे, उसका एक लोमेश टांग करके था, वो काफी अच्छा खेलता था उस एज में, तो वो एक्चुअली मेरा एक सीनियर था, एक साल सीनियर था, स्कूल सीनियर था। सुंदरम हाउस था। तो
रेड भी पहना हुआ है तूने, रेड कहाँ हाउस से था तेरा। स्टार्ट करूँ? हाँ अच्छा, तो सीनियर था। हाँ तो एक्चुअली वॉलीबॉल खेलने की जो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, तो एक मेरा सीनियर था स्कूल में जो काफ़ी अच्छे नेशनल्स खेल चुका था उस टाइम पे और काफ़ी अच्छा नाम था उसका। सो हर साल की तरह एक हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट होने वाली थी। सो इट्स लाइक कि यार टीम बनानी है हमको हाउस को, मतलब एक इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, राइट, सिक्स प्लेयर्स होना ऑलमोस्ट, मिनिमम मतलब हाँ सिक्स मिनिमम प्लेयर। सिक्स प्लेयर्स होना ही और अपन को जीतने के लिए चाहिए सिक्स प्लेयर। तो उसने फिर मुझे ऐसा, मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स में था मैं पहले से कि चलो ठीक है वॉलीबॉल नहीं, लेकिन एक अदर एक्टिविटीज में एक रहता ना कि एक अपन एक्टिव राइट। टाइप के थे। हाँ तो फिर उसने आया, मैं उसको पहले से जानता भी था हाउस के थ्रू कि मतलब ठीक है चलो हाँ जानते हैं। तो वो आया मुझे बोला कि वॉलीबॉल खेलेगा, मैंने कहा हाँ खेलूंगा कोई दिक्कत नहीं। तो बोले अपन को हाउस को जिताना है, मैंने कहा हाँ कोई बात अप्रोक नहीं। कौन सी क्लास में था तू? मैं ऑलमोस्ट उस टाइम सिक्स 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 सेवन सिक्स 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 सेवन सिक्स था। सेवन की बात है, सिक्स हाँ सेवन क्लास हाँ की। सो उसने मुझे बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने बोला कि मैं शाम को प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो तू आ जाना, अपने एक वीक का टाइम था उस टाइम पे। मैं बोला हाँ कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ। तो मैं और मेरे साथ और दो तीन लोग थे और क्लास के मेरे जूनियर, की बोले तीन तो मेरी क्लास के हैं, तुम लोग दो तीन और आ जाओ तो अपना हाउस अच्छा हो जाएगा, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है चलो। फैन तो थे हम उसके उस टाइम पे कि इतना हाँ अच्छा अच्छा खेलता है वो, खेलता और है। एक रहता है कि नहीं यार इसका गेम कितना राइट। अच्छा है, हाँ देखा हुआ था। तो हमने बोले चले ठीक है चलते हैं क्या है। शाम को वैसे ही फ्री रहते थे उस टाइम पे, ऐसा कुछ था नहीं कि, हाँ कुछ ज़्यादा। और हाँ वो क्लब भी मेरे घर के जस्ट पास में था यहाँ से, मतलब ओके। ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हाँ हाँ तिलकसपुर। तिलक स्कूल करके था। तो हम लोग हाँ चले गए वहाँ पे, फिर गए हम तो वहाँ पे तो काफ़ी सीनियर प्लेयर खेल रहे थे ऑलरेडी। हाँ तो फिर वहाँ पे जो हमने वॉलीबॉल देखा, मैंने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही, ये तो मतलब हाथों की ये तो कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे, लकीरें। मैंने कहा ये तो अपन स्कूल हाँ में क्या देखते थे। हाँ बट फिर वो धीरे धीरे उसने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, इनको जाने दो फिर अपन आराम से आराम प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करेंगे। करें। हाँ फिर स्टार्टिंग में धीरे धीरे फिर थोड़ी प्रैक्टिस किए, फिर उस टाइम फिर हाउस कंपटीशन वगैरह आने के थे। और सेम उसी टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ कि अंडर अंडर 12 अंडर 14 मिनी करके टूर्नामेंट होता हमारा, तो उसकी ट्रायल्स थी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो उस टाइम पे ट्रायल्स थी तो मैं देखने गया, तो उस टाइम उतना कुछ आता नहीं था तो मतलब गया कि चलो ठीक है देखे देखते हैं। फिर उसका ट्रायल्स वगैरह हुई तो उसमें नाम मेरा कुछ नहीं था, क्या ना इतना ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे खेलते थे जो रेगुलर प्रैक्टिस पे जाते हाँ थे। ऑब्वियसली। तो हाँ वो लोग गए, फिर उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि एक सर से मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। हाँ तो कोच। एक द एंड टाइम पे एक बच्चा मतलब कम हो गया कि मतलब अब एक बैकअप हाँ बैकअप, बैकअप। मतलब 12 प्लेयर्स जाते हैं तो उसमें से एक कम हो गया। तो वो एक मेरा फ्रेंड वो ऑलरेडी जा रहा था साथ में, वो सीनियर जो था, तो बोला कि तू चलेगा क्या। मैंने बोला हाँ भाई चलेंगे कोई बात नहीं। हाँ तो फिर उस टाइम लेकिन पेरेंट्स इतना थोड़ा घबराते थे कि बाहर कैसे बाहर कैसे भेजें, कभी भेजेंगे। फर्स्ट हाँ टाइम गया नहीं स्पोर्ट्स का है। तो कल्चर हाँ वैसा कुछ। हाँ हाँ अपने फैमिली उसमें में तो। था नहीं। हाँ तो फिर सर वगैरह से मिले, पापा लोग कि ये हाँ कैसा है क्या सर। तो बोले नहीं सर आप भेजो थोड़ा, तो हाँ अच्छा अगर होगा तो कुछ देखेगा उसका हाँ एटमॉस्फेयर। स्कोप हाँ वगैरह हुआ तो देखेगा तो सीखेगा कि कैसा सही होता बात। है। फिर मैं फर्स्ट टाइम जबलपुर खेलने गया मिनी टूर्नामेंट, खेले मतलब घूमने गया था ऐसा घूमने गया था। बोलेंगे हाँ मतलब अपन। साथ पे गया था। हाँ हाँ तो देख रिंकू सिंह बन हाँ तो गया हाँ रिंकू सिंह उस टाइम ऐसा था कि यार डिस्ट्रिक्ट खेलने जाओगे आपको सीनियर के डिस्ट्रिक्ट की जर्सी मिलेगी, एक था। मतलब वो राइट। एक्साइटमेंट रहता था कि चलो हाँ ठीक है खेलने नहीं ऑब्वियसली मिलेगा लेकिन एनकरेजमेंट तो हाँ कहीं से भी और आना क्या आप चाहिए। डिस्ट्रिक्ट को हाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो। राइट। और स्कूल में थोड़ा क्लास में थोड़ा वो एक होता था हाँ कि क्या नहीं नहीं बाहर डिस्ट्रिक्ट खेल को के आया रिप्रेजेंट किया लड़का। मुझे। हाँ तो फिर उस टाइम हम गए खेलने, तो मेरा फ्रेंड था वो काफ़ी अच्छा खेलता था, तो उसके मतलब उसके परफॉर्मेंस के कारण हमारी टीम काफ़ी सेमीफाइनल तक पहुंची थी उस टाइम, अभी ओके। भी याद है शायद हमें थर्ड प्लेस लगी थी। सो फिर वहां जब मैंने उसका गेम देखा और सारी टीम्स के प्लेयर का गेम देखा, कंपटीशन पता हाँ चला वहां कॉम्पिटिशन जाके देखा, कि यार हाँ ये एक्चुअल में ये चीज हाँ होती ये है। चीज़ होती है। और मतलब हाँ एक आप मतलब डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपको एक अलग लेवल पे लोग पहचान मिलते हैं, आपको जानते हैं कि आपका मतलब गेम है कुछ। सही बात है। हाँ तो फिर मैं जब वापस आया वहां से देख के फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि नहीं यार मैं अंदर खेल से वो सकते कि हैं, यार हाँ ये सही खेल चीज सकते है। हैं मैं। हाँ फिर देन हमारे हाउस के कंपटीशन वगैरह हुए, वहां पे हम जीत गए। हाँ तो फिर एक धीरे धीरे एक प्रोसेस जैसे स्टार्ट हुई कि नहीं खेलना चाहिए अच्छा है। तो उस टाइम इतना सीरियस भी नहीं था कि एक था कि हाँ चलो पर अच्छा इंटरेस्ट जाना आ गया चाहिए, था हाँ उसके इंटरेस्ट लिए आ गया कि था कि कनेक्ट हाँ हो गया था मैं कि नहीं अब हाँ जाना चाहिए क्लब। हाँ फिर धीरे धीरे क्लब वगैरह जाते गए, फिर मिनी से फिर हम सब जूनियर खेलने गए। सब जूनियर में हमारा इतना गेम नहीं था, सीनियर्स लोग खेलते थे, हम सिर्फ घूमने जाते थे कि देखने मिले हाँ आपको मतलब भी एक। क्या है हाँ सीखने मिलेगा। उस सही टाइम बात। सीनियर की टीम काफ़ी अच्छा हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे हम गए गए गए, फिर ऐसा जूनियर तक मतलब सब जूनियर तक मैं थोड़ा ऐसा था कि ठीक है सब चलो। जूनियर मतलब एज सब जूनियर में मतलब अपना होता है अंडर 16, अंडर 16 अंडर 16। हाँ। तो सब जूनियर तक हम गए, अंडर 16 अंडर 15 ऐसा समथिंग होता है, हाँ मैं भी एकदम एग्जैक्ट नहीं पता बाकी वो होता है। तो सब जूनियर तक हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, पूरे स्टेट में मतलब उस टाइम पे रनर्स अप रहे थे हम ओह उस टाइम नाइस। पे। तो उस टाइम पे फिर हुआ, फिर उसके बाद हम वापस वगैरह आए। फिर उसके बाद वो जो सीनियर था मेरा तो उसका थोड़ा स्पोर्ट्स से अब थोड़ा कम होने लगा ऐसा है कि ठीक है अच्छा प्रोफेशनल हाँ फील्ड प्रोफेशनली हाँ, वो में। थोड़ा उसको एजुकेशन के रिगार्डिंग जा रहा राइट था। राइट राइट।
फिर उस टाइम रहते रहते थोड़ा मेरा गेम भी अच्छा होने लगा धीरे धीरे। और एक बेनिफिट ये हुआ कि मैं स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो गया तो मेरी थोड़ी हाइट बढ़ने लगी। लाइक मैं पहले हाँ स्टार्टिंग किया था तो मेरी हाइट पहले तो बहुत छोटी थी, हाँ काफी हाइट हाँ थी, हाइट तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे को भी क्रॉस नहीं करेगा हाँ तू तो पहले तो। फैमिली वाले भी थोड़ा सोचते थे क्यूटी यार पाई, कि छोटू क्यूटी पाई था तू पहले। हाँ हाँ तो फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा हाइट भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा हाँ सब लोग को भी आया कि नहीं नहीं खेल सकता ये हाँ भाई फिर एकदम देन। से तेरा हाइट हाँ भाई बट लेकिन हाइट बढ़ी, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं स्ट्रेंथ थी, नहीं थी। हाइट तो हाँ काफी बढ़ गई हाँ और ऐसा स्ट्रेंथ वगैरह तो सब लोग काफी मेहनत वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम से बिल्कुल मेहनत नहीं होती थी फिर धीरे और धीरे। आलसी लेकिन तो अपन लेकिन है हाँ, लेकिन ही। एक हाइट एडवांटेज था तो मैं खेल रहा था। लाइक वॉलीबॉल में ऐसा गेम है कि आपके पास हाइट का ऑलवेज एडवांटेज रहता है। लाइक इंडिया अगर आपको वो प्रोफेशनल लेवल रीच पे वॉलीबॉल खेलना हाँ है तो आपके हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट तो होनी चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम मतलब होना एक चाहिए। अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि अंडर हाइट वाले भी काफी अच्छे प्लेयर है, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे आपको जाना है तो मिनिमम 6 फीट हाइट तो होनी चाहिए होनी आपकी, चाहिए। और वो जनरली हो जाती है। आप हाँ अगर मतलब वो एक बचपन से ना एड एक ऑन हो उसको, जाता मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉलीबॉल खेलते हैं काफी मतलब एकदम जो प्रॉपरली वॉलीबॉल खेलते हुए आ रहे हैं बचपन से, तो उनकी हाइट बढ़ती है। मतलब बढ़ती। बहुत ही हाँ रेयर से केस में हुआ कि किसी की हाइट कम होती हाँ है। बैडमिंटन वालों के साथ हाँ बास्केटबॉल बाकी वालों हाइट के तो साथ भी बढ़ती हुआ। होती है, हाँ चीज तो फैक्ट है कि आप जो हाँ वॉलीबॉल प्लेयर हैं या बास्केटबॉल प्लेयर हैं उनकी तो हाइट भाई तो देखो बढ़ती किसी है। को अगर हाइट वाइट बढ़ाना हो ना तो अभी से बचपन से ही खेलना शुरू कर दो, तो बिल्कुल हाइट अगर बिल्कुल, टॉल बनना है तो एक कॉम्प्लेन और लाइक इनसे कुछ नहीं इनसे होने कुछ नहीं वाला, होने रियल ग्राउंड में वाला। जाइए आप। ग्राउंड में जाओ खेलो कूदो बढ़िया, एकदम स्ट्रेच होगी बॉडी तो हाइट भी बढ़ जाएगी। फिर धीरे से हाइट वगैरह बढ़ी, फिर उस टाइम पे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि नहीं यार खेलना चाहिए अब आगे, तो फिर थोड़ा मैंने वर्कआउट वगैरह भी स्टार्ट किया कि नहीं थोड़ा करना चाहिए अब। तो हमारे दो तीन फ्रेंड्स थे हमारे, तो हम थोड़ा इसको सीरियसली लिए कि नहीं आगे थोड़ा इसके आगे बढ़ना है अब। उसके आगे बढ़ना फिर है। उसके बाद क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बंद हो गया, इसके बाद फिर आया कि अब एक जोन बन गया कि जैसे हमारा जबलपुर जोन लगता था तो हमारे यहाँ पे 4-5 डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ की एक कॉमन टीम बन के जाएगी। तो उस टाइम यार एम ऐसा था कि नहीं यार अब जोन में सिलेक्ट होना है, जोन में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट तो मतलब होना, अब हाँ ठीक है लेवल अब, बड़ा हो गया ना हाँ वो तो। यार थोड़ा हाँ इस पे कुछ आगे करना चाहिए। सही बात है। तो फिर धीरे धीरे फिर जोन वाला स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ पे धीरे से सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद हमारी टीम उतना से परफॉर्म नहीं कर पाती लेकिन जोन में सिलेक्शन हुआ, आगे कॉम्पिटिशन बढ़ा, फिर उसके बाद खेलते खेलते फिर हमारा जूनियर निकल गया। जूनियर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, मैं बताऊंगा आपको कि उसमें बताऊंगा नहीं वाला वो। आपको हाँ इतना सम्मान क्यों दे रहा है भाई, फॉर्मल क्यों बन रहा है इतना तू। हाँ देखो ठीक हाँ, है। हाँ तो मुझे लगा बताऊं कि ये जूनियर वाला है कि अभी पहले मतलब हाँ मतलब जूनियर की जर्नी कवर कर, फिर जो ट्रेजेडी वाला वो एक अलग से चैलेंजेस क्या क्या है तो उसमें चैलेंजेस पॉलिटिक्स वगैरह वो अपन उसको देख लेंगे। फिर ऐसा जूनियर लेवल खेलने गए, तो उसके बाद फिर काफी अच्छा उस टाइम तक गेम काफी अच्छा हो गया था मेरा। फिर जूनियर से फिर जब मैं यूथ में आया तो फिर यूथ में फिर मैं कॉलेज में, उस टाइम कॉलेज में हो गया था, तो फिर कॉलेज में फिर मैं नागपुर चला गया एजुकेशन के लिए। फिर एक नागपुर में ऐसा था कि वहाँ का लेवल थोड़ा काफी हाई था एज कम्पेयर टू अपने एमपीएस यूनियर से अपन कंपेयर हाँ करें तो और अपना देखो वहाँ उसका का, बेनिफिट भी मिला था ना एडमिशन के हाँ टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली कोटा जो हाँ था वो कोटा था उसका उसका स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन का बेनिफिट मिला था मिला था इसको। उसमें, वो तो हाँ आपको मिलता ही हर जगह, अगर अच्छे हाँ प्लेयर हो तो एक हाँ आपको, मतलब अगर और आप नेशनल स्टेट रिप्रेजेंट कर चुके हो या कुछ बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स में तो अच्छे थोड़ा एक कॉलेजेस आपको प्रेफरेंस देंगे, वो प्रेफरेंस चीज़ तो देते हैं है। स्पोर्ट्स में, आजकल थोड़ा सा अच्छा बढ़ावा आजकल देने तो लगे हैं, काफी ज्यादा हो गया, काफ़ी आजकल तो स्कोप अच्छा एकदम है स्पोर्ट्स उनको का बच्चे भी, स्पेशली चाहिए होते हैं कि चाहिए लाइक होता उनके है एक्चुअल कॉलेज में। का हाँ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, स्कूल का राइट राइट। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। हाँ सो फिर देन मैं यूथ में आया, अंडर 21 बोलते हैं यूथ को उसमें, तो फिर अंडर 21 में आया। सो मैं फर्स्ट ईयर हम लोग खेलने गए यहाँ से, हम लोग का छिंदवाड़ा जोन लगता था, सो फर्स्ट ईयर हम खेलने गए तो हमारा कैंप में हमारा टीम हमारी काफ़ी अच्छी थी, हम लोग की मतलब बॉन्डिंग वगैरह अच्छी हो गई थी। बट उस टाइम ऐसा था कि हमारी टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, हम लोग शायद क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे। सो लाइक उसमें ऐसा था कि अगर आपको नेशनल्स में जाना है तो ऐसा है कि जब तक आपकी टीम फाइनल या सेमीफाइनल नहीं खेलेगी तो आप, ऐसा कि जितने जल्दी बाहर होगे उतने कम चांसेस है टीम से प्लेयर जाने के। लाइक जो मतलब फाइनल खेल दी है सो हाँ उसमें ज़्यादा 4 बंदे जा सकते हैं, 5 बंदे जा सकते बेसिकली हैं। उसका क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि आप जितना अच्छा गेम करोगे तो उतने ज़्यादा सिलेक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं हाँ जितना बड़े उसमें लेवल पे ऐसा ही जाते हो रहता है आप। क्राइटेरिया कि आप आपके प्लेयर में चलो माने हमने 4 अच्छे प्लेयर हैं बट लेकिन आपकी टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो रही है तो उनके एक रिस्ट्रिक्शन रहती थी कि हम इससे एक या दो से ज्यादा मैक्सिमम नहीं ले जा सकते, हाँ क्योंकि जो फाइनल टीम जीतती है ऑब्वियसली राइट तो राइट उसको तो प्रेफरेंस प्रेफरेंस, देना पड़ेगा, स्पेशल वो जीती प्रेफरेंस देना है पड़ेगा। हाँ ऐसा है। तो फिर वहाँ से 4-5 जगह हमारी टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थी, तो उस टाइम हमारी टीम से सिर्फ एक ही बंदे का सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम मतलब मैंने ऐसा कि मैं एक सेंटर ब्लॉकिंग की पोजीशन होती, पहले मैं वहाँ खेलता था। फिर उस साल थोड़ा मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये पोजीशन में मैं खेलूंगा तो मतलब सिलेक्शन के नहीं चांसेस हो बहुत पाए। कम है, हाँ मतलब ठीक है मतलब एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, लेकिन ऐसा था कि नहीं यार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं अपन क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने अपनी थोड़ी पोजीशन चेंज की, एक वॉलीबॉल में एक यूनिवर्सल पोजीशन करके होती है, सो उसमें ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस बॉल हिट करने के उसको ही मिलते हैं। अच्छा ओके
उसमें ऐसा है, वो या तो बैक रो भी कर सकता है, इन रो भी कर सकता है, थोड़ा प्रोफेशनल में हाँ जाएगा, वो लेकिन उसको बताना एक आगे। हाँ एक हाँ प्रोफेशनल लेवल पे होता है कि वो इन रो बैक रो दोनों उसको करता है, ऐसा है। उसको पास कलेक्शन नहीं करना रहता, मैक्सिमम बॉल रिटी करनी रहती है उसको। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब सीधे सीधे सबसे ज्यादा बैटिंग उसी चीज की आने हाँ वाली बस वैसे ही बोल सकते हैं है। अपन। हाँ सो फिर एक कोई बाहर के एक सर थे, तो उन्होंने भी मुझे ऐसा बताया था कि तेरा हाथ अच्छा चलता है तो यूनिवर्सल खेल तक ट्राई कर, तो उसमें अच्छा कर सकता है। फिर मैं वापस आया ग्राउंड में, फिर मैंने थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट किया। मतलब मैं पहले भी खेलता था, लेकिन ऐसा था कि नहीं मेरे मेन पोजीशन है तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करता था। फिर धीरे धीरे फिर मैं वो पोजीशन में आया, फिर खेलने लगा, धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंस बढ़ने गया। फिर एक्चुअली यूथ टूर्नामेंट तो साल में एक बार ही होता था, फिर मैंने 5-6 महीने से प्रैक्टिस की, फिर लोकल्स काफी सारे टूर्नामेंट होते हैं। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अब इस बार मैं ट्राई करता हूँ कि पोजीशन में खेल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि एकदम से वहाँ टेस्ट एक्सपेरिमेंट मैचेस करने खेला, के लिए मौका। क्योंकि अब हाँ ग्राउंड में इतना कॉम्पिटिशन नहीं मिलता आपको डे टू डे करेक्ट। प्रैक्टिस में, हाँ हाँ जब आप मतलब बाहर जाते लेवल हैं। पता हाँ चलने के लिए। हाँ हाँ वही। फिर हम बाहर टूर्नामेंट गए, तो फिर मैं एक अच्छा कोई ऑल इंडिया टूर्नामेंट है, वहाँ फर्स्ट टाइम मैं खेलने गया था, वहाँ मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं हाँ किया था कि प्राइवेट मतलब, टूर्नामेंट मतलब हाँ जो मतलब ऑर्गेनाइज लोकल कमिटीज वगैरह कमेटी वगैरह कर करवाती है कमिटीज जो ऑर्गेनाइज। कराते हैं। हाँ तो वहाँ पे मैं खेलने गया फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी, मतलब वहाँ काफी बड़ी लेवल की टीम्स आई थी उस टाइम पे, आर्मी वगैरह की थी, रेलवे वगैरह की रेलवे थी। वगैरह के आते हाँ तो हैं। उस टाइम में उनके अगेंस्ट काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो फिर एक अंदर से ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आई कि नहीं यार, अब तो मतलब ये पोजीशन अपने लिए बनी है, इसमें अपन को अच्छा है, मतलब ये पोजीशन पकड़ के खेलना है अपन को। फिर नेक्स्ट टाइम, फिर उस टाइम ऐसा हुआ कि कुछ शायद जैसे टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कराते हैं हमारे यूथ वाले, तो उस टाइम वो पॉसिबल नहीं हो पाए कि शायद कुछ ऑर्गेनाइजर नहीं मिले जो भी हुए। तो उस टाइम ऐसा था कि अंडर 21 के ट्रायल्स रखे उन्होंने, कि एक गोल्डन मेमोरी ट्रायल्स थे कि अब जो ट्रायल्स के बेस पे सिलेक्शन होंगे। फिर हम वहाँ ट्रायल्स देने गए, तो अच्छा सर टूर्नामेंट बेसिस नहीं हाँ करके टूर्नामेंट के सर ट्रायल्स के ट्रायल्स कर बेसिस दी। पे हाँ कर मतलब दिया। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जोन के अच्छे सिलेक्टेड बंदे हैं, उनको पता रहता है कि ये अच्छे अच्छे हाँ हैं, हाँ तो आप उनको भेज दीजिए। तो हर ऐसा रखे थे कि हर जोन से तीन तीन चार तीन तीन चार चार। प्लेयर हाँ आपको भेजने पड़ेंगे। तो फिर मैं वहाँ गया, तो उस टाइम तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि इस साल तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से गया, तो फिर भगवान की कृपा बोले जो भी बोले, मतलब मेरे हाँ से अच्छे प्लेयर आए थे वहाँ पे, बट हाँ लेकिन ऐसा था कि वो पोजिशन में मेरे को मतलब मैं ज़्यादा सुटेबल था। हाँ फिर वहाँ मेरा उस साल सिलेक्शन हुआ, मतलब पहला नेशनल था वो मेरा। ओ तो ओके मतलब मतलब वो उस टाइम की फीलिंग तो ऐसी थी कि भाई, जो नेशनल एक मतलब बहुत एक बहुत बचपन में बड़ी एक बात एम जो होती अपन ने है। सोचे थे कि नहीं यार किस लेवल पे, मतलब जो अगर रिप्रेजेंट करना ही है तो वो लेवल पे हाँ जाने मतलब का। एक ऐसा हाँ था कि नहीं यार अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत वो बड़ी एक बात है। यार फीलिंग बहुत ही अच्छी थी। लाइक एक अपन सोचो सीधे स्कूल से अपन मतलब एक क्लब के लिए खेलने क्लब आए से थे कि खेलने। हाउस में हाँ कॉम्पिटिशन हाउस है, मेडल कंपटीशन मिल जाए, वहां से से एक स्टेट और स्टेट नेशनल लेवल नेशनल तक जाए, लेवल तक मतलब एक जाना काफी बड़ी बात थी। और कोई राइट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था, कुछ एकदम कुछ नहीं नॉलेज नहीं था। था। हाँ फिर जब फर्स्ट नेशनल खेलने गए, तो फिर हम जयपुर गए, उस साल हमारी टीम काफी स्ट्रांग थी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस, हम लोग क्वार्टर फाइनल्स तक खेले। बट उस साल ऐसा था कि मैं मतलब जो इन6 होती है उसमें मैं खेल नहीं पाया, मतलब मेरे से अच्छे प्लेयर्स थे, तो हाँ ऑब्वियसली इन होता है। सिक्स का मतलब हो गया कि जैसे प्लेइंग 11 होती है लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर भी हैं, तो वैसा वाला कि जिसको 11 लोगों को खेलने का मौका मिल वही। रहा। सो उस साल मुझे चांस नहीं मतलब मिलता था, ऐसा था कि सब्सटीट्यूट करते थे कि आपको कुछ स्पेशलिस्ट कुछ एक सिचुएशन आ गई है, या फिर प्लेयर डाउन हो गया, तो सब्सटीट्यूट करके आपको डालते थे। फिर मैं उस साल खेल के आया, तो अच्छा तो लग रहा था काफी कि एक रिप्रेजेंट करके आया, बट एक अंदर से था कि यार खेलने नहीं मिला पा, मौका। मतलब वहां पे हाँ अपने आप को रिप्रेजेंट परफॉर्म करने का, करने का मौका हाँ नहीं मिल पाया। वहां वैसा है कि परफॉर्म करना लगता है कि नहीं यार इतने बड़े लेवल पे अपन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां खेला नहीं तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। फिर मैं जैसे ही घर आया, फिर नेक्स्ट जैसे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, कहने का नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, कहा सिलेक्शन चाहिए तो फिर खेलने को होना, या तो फिर मतलब सिलेक्शन होने कोई सेंस नहीं मतलब है। नहीं सही बात है, हाँ मतलब सिर्फ उसके लिए थोड़ी जा रहे हैं। वही। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पूरा 1 साल मैंने काफी अच्छी मेहनत की, तो इस साल भी मैं सोचा था कि नहीं यार इस साल तो अपन को खेलना ही है। फिर उसके बाद मैंने मेहनत की, अच्छा हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर फिर मेरा उस टाइम टूर्नामेंट हुआ नेक्स्ट ईयर जो यूथ कोई का, स्पेशल कोच था जो जिसने मतलब हेल्प किया था कोचेस तो उस काफी टाइम थे, पे? स्पेशली वीके बाराती सर हैं, उन्होंने तो काफी सपोर्ट किया ही है, वो तो हाँ अभी तभी अभी भी सपोर्ट करते अभी हैं, भी मतलब उनकी सपोर्ट इतनी करते एज हैं। होने के बाद भी वो अभी इतना सपोर्टिव है कि मतलब उनके लेवल पे अभी तक किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। वो मतलब ऐसा है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, कुछ शादी नहीं की, उन्होंने बच्चे उनके लिए ऐसा है कि ग्राउंड के बच्चे ही सारे बच्चे हैं अभी भी, जो हमारे ग्राउंड मतलब हम देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी सिटियों में खेला, तो वहाँ के लोग फीस लेते हैं बॉल के लिए कुछ करते, लेकिन सीनियर में ऐसा है कि वो अपने पैसों से बच्चों को बोलते हैं कि आप खेलो, खेलो। हाँ प्रमोट ऐसे कि आप करते हैं टेंशन वो। मत लो, बॉल मैं ला के दे रहा हूँ आपको, नेट मैं ला के दे रहा हूँ आपको, कहीं बाहर जाना मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बस आप खेलो, खेलो। हाँ ऐसा है। हाँ मतलब सही बात है। अभी जो करेंटली अभी जो सिचुएशन है उसमें वॉलीबॉल को अगर बचा के रखें तो हाँ तो बराती सीनियर में, सर हाँ जो तो है मेन रोल उनका है, तो सबसे मेन रोल तो उनका है। फिर एक अब्दुल सर भी आए थे, तो उनका भी अब्दुल सर ने भी काफी काफी सपोर्ट कंट्रीब्यूशन किया। किए थे हाँ मतलब फिटनेस को लेके और फिटनेस वो को सब लेकर चीजों और को वो लेके। चीज, हाँ हाँ एक जो टेक्निकल गाइडेंस था उनका, उन्होंने जो हाँ प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स वगैरह किए थे, तो उन्होंने भी राइट। एक हाँ अच्छा हेल्प किए।
उसके बाद फिर मैं उस साल यूथ खेलने गया, हम लोग की छिंदवाड़ा जोन की टीम थी, सो हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में उस टाइम ही। सबसे पहले जो जब जब तू गया था तब कौन कौन से कोच ने लेके गया था तेरे को उस सबसे टाइम पहले? तो ये इरफान भाई और सरफराज सर करके थे यहाँ सरफराज पे। सर, हाँ 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 सरफराज, सरफराज सर का, क्योंकि मुझे हाँ याद है, तो वो हाँ मतलब उसको यहाँ रख दे। तो वहाँ पे गए हम, फिर उसके बाद फिर उस टाइम हम लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, लेकिन काफी अच्छे अच्छे टीम्स का हमने बीट किया था, हमारा ग्रुप काफी टफ था उनको किए, फिर हम क्वार्टर फाइनल्स भी फाइव सेट में आ रहे थे, एक अच्छी अकेडमी की टीम थी हमारी, तो उनसे लगे लगे हम फाइव सेट्स में आ रहे थे। उस साल हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा टीम का, तो उस टाइम ऐसा था कि जो नेशनल होने वाला था अपने मध्य प्रदेश में होने वाला था, उस टाइम ऐसा था कि टीम अच्छी बननी चाहिए अपने, ऑब्वियसली अपने स्टेट में हो रहा है, राइट, ग्रेटर रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट करने वाली बात है। सो उस टाइम फिर हमारी टीम से कैंप के लिए 4 बंदे सिलेक्ट हुए, तो उसमें मतलब पता था कि मेरा नाम तो आने गया, तो टीम अच्छा खेली थी हमारी, काफी अच्छा खेली थी। फिर हम कैंप के लिए फिर हम खंडवा गए, 1 महीने जितना 15 डेज का कैंप लगा था हमारा, फिर वहां से कुछ लोग मतलब शॉर्टलिस्ट किए, क्योंकि ऑब्वियसली 12 की टीम बन सकती थी, फिर राइट 12 में भी मेरा नाम आया धीरे से। फिर उस टाइम फिर ऐसा था कि मुझे पोजीशन में दूसरी पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुआ था, फिर वहाँ कोइंसिडेंस ऐसा बना कि वो मिडिल ब्लॉकर एक हमारे पास कम पड़ता था, कुछ शायद डॉक्यूमेंट्स है कुछ, उसके कारण एक प्लेयर हमारा बाहर हो गया था। फिर सिचुएशन ऐसी वैसी कि मैं पूरी कैंप में वो यूनिवर्सल पोजीशन खेला है, बट जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है सो मुझे एकदम एंड टाइम पे सर बताने कि तो कोई नहीं ये पोजीशन खेलना है, वो मतलब सर मेरे होम ग्राउंड के थे, उनको पता था कि मैं हाँ, खेल सकता हूँ, खेल पहले खेला हुआ सकता हूँ, अब कोई ऑप्शन तो था नहीं, है। तो मैंने बोला नहीं खेलते हैं, तो बट होपफुली वो पोजीशन भी अच्छी रही, हम लोग काफी अच्छा खेले। उस टाइम भी थोड़ा सा बैड लक बोले क्या बोले, हम लोग एक मैच हार गए इसके कारण हम नॉकआउट हो गए थे, बट काफी अच्छा टूर्नामेंट था। फिर वहां से जो फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार अब मतलब अच्छा खेल सकते हैं अपन, काफी तो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हुए, तो फिर उसके बाद थोड़ा ग्राफ ऐसा ऊपर गया 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 ऐसा है, फिर काफी अच्छा रहा वो जर्नी उसके बाद से। उसके तो बाद से मतलब वो नेशनल, दो नेशनल वैसे मतलब हो गए, पर मेरे को ऐसा याद है कि जो तेरा नेशनल हुआ था, पहला नेशनल हुआ था, और उसके बीच में जो सेकंड नेशनल का टाइम था, उस टाइम पे कुछ पॉलिटिक्स हुई थी, नहीं, वो ये बात जूनियर की है ये, मतलब ये जूनियर तो में हुआ हाँ था। जूनियर, हाँ यूथ हाँ में तो मतलब मैं कुछ कंटिन्यूस, पॉलिटिक्स भी हुई थी और कुछ बिट्रेयल दोस्तों ने जो, पॉलिटिक्स तो ऐसा है कि बहुत ही गंदी, मेरे साथ नहीं काफी लोग के साथ हुई हाँ है, मतलब तो बताना मेरे को कि जो मतलब चैलेंजेस क्या क्या रहे, डाउनफॉल वाली जो चीज़ें आई तेरे साथ, कि लेग पुलिंग वाले लोग आते हैं, ऑब्वियसली कंपटीशन आता है, जेलेसी भी होती है स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स भी होती है, तो मतलब बिना किसी का नाम लिए, किसी का इमेज अपने को डिग्रेड नहीं करना है, पर फिर भी एक क्या 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 दिक्कतें आई तेरे को? उसमें ऐसा था कि उस टाइम मुझे अभी भी याद है कि वो जूनियर का टाइम था, जूनियर का एक था मेरा लास्ट ईयर था जूनियर का, तो उस टाइम जूनियर के हमारी टीम जाने वाली थी, उसमें ऐसा था कि जोन की ट्रायल्स थी, तो एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे सीवनी में भी दो क्लब्स डिवाइड हो गए थे, कि अच्छा एक के पास एसोसिएशन था और एक के पास नहीं था, उस टाइम था व्हाट्सएप वगैरह का कुछ था नहीं कि आपको न्यूज एकदम सर्कुलेट हो, बिल्कुल तो वहां पे बिल्कुल, ऐसा था कि न्यूज़पेपर से ही को पता चलता था, न्यूज़पेपर या ने कोचेस को डायरेक्ट कोचेस इन्फॉर्म को कर देते पता थे कि इसकी चला। ट्रायल्स है आप भेज देना, तो उस टाइम मैंने काफी मेहनत की थी, मुझे था कि नहीं मैं खेलूंगा इस साल तो नेशनल, इतना था डिजर्व कर रहा था, जूनियर हाँ जो उस पे, जूनियर हाँ जूनियर। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब हमारे क्लब के बंदे तो मतलब किसी को पता नहीं था कि ट्रायल्स वगैरह है, और जो दूसरे क्लब के बंदे थे वो सारे ट्रायल्स देने चले गए, उसमें मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, लेकिन उनके कोचेस ने पता नहीं क्या बोला कि इसको बताना मत, ये वो ऐसा ऐसा जो भी था, उस साल उन्होंने मुझे बताया नहीं, और फिर वो ट्रायल्स वगैरह ही फिर मुझे बाद में पता चला वो जब आए, तो मैं ट्राई किया कि मेरा नाम वगैरह सिलेक्ट हुआ कहीं अदर से खेलने मिले, बट हुआ नहीं, तो उस साल मतलब ऐसा था कि यार क्या हुआ, वो मतलब काफी मतलब हिट किया था वो, क्योंकि बहुत वो बहुत फेज मेरे को याद है कि बहुत मतलब लिटरली आंसू आ गए थे, तो कि मैं उस साल लिटरली काफी मेहनत किया था कि नहीं खेलना है यार, हाँ मतलब हमने देखे थे, मतलब वो पता हाँ होता है कि यार ये तो है ही, मतलब इस बार होना ही है, होना ही और है उस टाइम पे जब आप कॉन्फिडेंट रहो और कोई आपको धोखा दे दे और बताए ना वही, आपको, और आपके ट्रायल्स मतलब में खुद के फ्रेंड्स आपने कि नहीं बताया, तो फिर जो हो सकता साथ पे है कि खेलते थे हाँ वो उन लोगों वही ने ही नहीं बताए, और वो अपने आप जाके ट्रायल दे दी उन लोगों ने। ठीक है मतलब, और पॉलिटिक्स का क्या सीन है, मतलब क्या पॉलिटिक्स क्या क्या होती पॉलिटिक्स है तो देखो आप ऐसा है कि हर स्पोर्ट्स में बहुत होती है हर वैसे स्पोर्ट्स तो। में, लेकिन वॉलीबॉल में मैं बोलूंगा एक लेवल ऊपर चलती है पॉलिटिक्स, ऐसा है अच्छा अभी तो एट प्रेजेंट ऐसा हो गया है कि हमारे जो एसोसिएशन इंडिया का हाँ उसमें इतनी लड़ाई चल रही है, बीच में तो ऐसा होता है कि इंडिया की भी दो टीम बनती थी, अच्छा, इंडिया की भी दो टीमें हाँ बने और इतना उस ज्यादा? इतना ज्यादा है, अभी भी ऐसा है कि जो प्रोफेशनल लीग्स खेल रहे हैं हाँ उन प्लेयर को इंडियन टीम में अलाउ नहीं करते हैं, और ऐसा ओ है कि जो टीम एक इंडियन टीम अभी लास्ट ईयर एक चैलेंजर्स कप करके हुआ था वहां इंडियन टीम पार्टिसिपेट करने गई, बट जो अदर एसोसिएशन था उनने स्टे लगवा दिया, वो टीम परफॉर्म भी नहीं की, मतलब सारे मैचेस उनके 0 पॉइंट के साथ वो वापस आ गई, तो ये शिट पॉइंट। और अभी ऐसा हो गया है कि 2016 या 17 के बाद एक कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है एसोसिएशन का, तो उसमें ऐसा है कि इसके बीच जितने भी नेशनल्स हुए हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स इनवैलिड है, आपको सिर्फ प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट है बट आप वो वैलिड नहीं कंसिडर हाँ कर मतलब सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि क्योंकि कोई वो भी अगर असोस, एसोसिएशन वो मतलब वैलिड ही नहीं राइट मानता है राइट हाँ उसको, सही बात है। तो अभी ऐसा है कि अभी अभी आज के डेट तक भी ऐसा है कि एसोसिएशन बना नहीं है,
ओहो, मतलब वॉलीबॉल अगर प्रमोट नहीं हो पाया उसका सबसे बड़ा एक रीजन अभी ये लास्ट है। ईयर पे ऐसा था कि एसोसिएशन नहीं था तो अपने इंडिया में नेशनल गेम्स होते हैं, तो हाँ नेशनल गेम्स में भी ऐसा है कि कमिटी का ऐसा डिसीजन आया कि वॉलीबॉल को उससे हाँ हटा हटाना दें। पड़ा। तो शिट, उसमें ऐसा है कि सीनियर्स से पॉलिटिक्स के चक्कर में बच्चों का करियर खराब हो रहा है। मतलब वॉलीबॉल का गेम का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया ना एक वही तरीके तो, से। मतलब अभी अभी ग्रो करना स्टार्ट किया था, बट लेकिन एक ऐसा रहता है ना कि आप हाँ जब तक खेलेंगे ना इंटरनेशनल लेवल पे तो गेम कैसे बढ़ेगा सही बात आपका। है। तो हाँ फिर उसके बाद से फिर अभी तक वो मतलब केसेस अभी चल रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हुआ, कभी अभी रिजॉल्व नहीं एसोसिएशन, हुआ मतलब है, प्रॉपर एसोसिएशन कोई है ही नहीं कोई अभी। है ही नहीं अभी। मतलब बहुत गलत, बहुत बुरी बात है। मतलब ये तो वही स्पोर्ट्स की हार है, मतलब एक तरीके से लोगों के अपने सेल्फिश रीजंस के कारण। बट अभी ऐसा है कि लीग्स वगैरह काफी अच्छे स्टार्ट हुए हैं कि लाइक प्लेयर्स, फ्रेंचाइजी वाला फ्रेंचाइज उसमें भी लीग अभी चालू हो गया काफी ना, अच्छा स्टार्ट हुआ है। कौन सा अभी अभी चालू है वॉलीबॉल अभी का? ये प्रो वॉलीबॉल लीग स्टार्ट हुई है अपने यहाँ पे इंडिया हाँ में, उसमें ओके। अच्छा काफी सारे फॉरेन के प्लेयर भी आते हैं, तो एक इंडिया के प्लेयर्स को क्या थोड़ा बूस्ट मिलता है कि बूस्ट नहीं मिलता यार है, बाहर के कंपटीशन प्लेयर्स, समझ में आ रहा लाइक है। सही बाहर बात के है। कंट्री का गेम बहुत फास्ट है, बहुत मतलब अपन सोच भी नहीं सकते वो इतना फास्ट चलते हैं। तो अब जब तक तो उनके साथ खेलेंगे नहीं आप तो कैसे पता चलेगा ऑब्वियसली बात आपको, है यार, उनको सही मैच बात है। करना एक थोड़ा सा, जब आप साथ पे खेलेंगे तो ऑब्वियसली लाइक आईपीएल को देख लो आप, सही बात है, कितना फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेले में इंडिया वालों को, एक सही बात यंग है, यूथ को कॉन्फिडेंस आता है। सो बिल्कुल। वैसे ही है, अभी एनुअल जनरेशन के लिए तो काफी अच्छा हो गया है कि गवर्नमेंट भी हाँ इतना सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं कि वॉलीबॉल हाँ सारे गेम्स सारे को, स्पोर्ट्स में अभी, हाँ अभी हाँ अच्छा हो रहा इतने है। सारे एक खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, जूनियर गेम हो रहे हैं, मतलब बच्चों को मतलब ऐसा है कि एकेडमी जैसी बना दी है कि आपको अगर स्पोर्ट्स में है तो आप उसमें करियर बना सकते हो, करियर आपको बना सकते गवर्नमेंट हो। भी सपोर्ट हाँ करेगी, स्पोर्ट्स से मतलब ऐसा भी होता है ना, स्पोर्ट्स से जॉब भी लगती है। जॉब लगती है। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ नेशनल खेलने से आपकी जॉब लग जाती है, हाँ बट ऐसा नहीं है, नेशनल्स में आप में हाँ ये स्पेसिफिक, मिसकंसेप्शन था कि अगर हाँ आपने नेशनल खेले हो तो आपको इजीली रेलवेज में तो ऐसे ही नहीं जॉब नहीं मिल नहीं जाए, ऐसा तो कुछ वो नहीं है। कैसा है, वो सही सीन क्या है वो? उसमें ऐसा है कि अगर आपको जॉब चाहिए हाँ उसमें भी ऐसा है कि क्राइटेरिया क्राइटेरिया रहता होगा ना होता है, कुछ, सबको तो दे नहीं सकते आप लोग। सही बात है। उसमें ऐसा है कि स्पेसिफिकली आपने नेशनल पे मेडल है, आपका गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसके ओके बेस पे आपकी जॉब लगती है, या ओ फिर कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका मेडल है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया वहां पे मेडल है आपका, उसके बेस पे तब आपकी जॉब मिलता लगती है। है। हाँ क्योंकि नेशनल में तो आपको टोटल 37 देते, आपने कितने सारी टीम्स हाँ आती है, मतलब ऐसे थर्टी तो हर सेवन साल फोर्टी टीम्स नेशनल्स हो आती रहे है, हैं फिर ऐसे फिर तो। ऐसे हर प्लेयर में 12 लोग आते हैं टीम में, तो सारों को तो जॉब्स दे नहीं सबको सकते जॉब ना नहीं दे आप सकते ना, सही बात है। ऐसा, तो उसमें ओके। उसके बेस पे रहता है कि जो मेडल्स हैं उसके बेस पे जॉब लगती है। और मतलब नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों के साथ खेलने मिला है कभी मौका? मिला, मिलने का नहीं मौका मिला है कभी उनके साथ? नहीं मिलने का भी मौका तो नहीं मिला अभी तक, मतलब जैसे हाँ बट कोई लेकिन इंडिया के जो नेशनल, इंडिया, हाँ इंडिया इंडियन के जो, नेशनल वाले, हाँ मतलब इंटरनेशनल के, इंडिया, इंडियन हाँ टीम को जो रिप्रेजेंट कर हाँ चुके हैं उनके हाँ साथ उनके मिलने साथ, उनके साथ तो खेले हुए अभी ऑलरेडी, हम लोग खेले जितने हुए? खेले हुए हाँ आज वो इंडिया खेलता है। हाँ मतलब नेशनल्स में तो आए हाँ होंगे ना हाँ वो नेशनल में लोग। हमारे साथ के जो मतलब है उसमें कुछ हाँ हाँ सिलेक्टेड, हाँ तो उन लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो सबसे अच्छे उससे प्लेयर्स किस, कौन से स्टेट से आते हैं? साउथ, साउथ तो मतलब वॉलीबॉल के लिए एकदम उनको मतलब जेनेटिक्स बोले क्या बोले, उनको है ही हाँ गॉड गिफ्ट जैसा ही है कि उनका जंप अपन से ज्यादा है, हाइट ज्यादा हाँ रहती है, रीच ज्यादा रहती है उनके, तो उनको बेनिफिट मिलता है। और एक हरियाणा साइड के भी अपन बोल सकते हैं, वहाँ हाँ के भी वहाँ पे भी थोड़ा, हाइट वहाँ का वगैरह स्पोर्ट्स थोड़ा कल्चर है ही वैसे है ही, भी, स्पोर्ट्स कल्चर तो वहाँ वहाँ पे। का काफी अच्छी टीम है। तो ये सब बढ़िया हो गया। अभी इसमें जैसे किसी एक जूनियर का कोई एक नया करियर शुरू कर रहा है, कोई छोटे बच्चे लोग हैं जो अभी खेलने जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं रहता कि अगर नेशनल पहुंचना है तो कैसे, बहुत सारे लोगों को वो गाइडेंस गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों के लिए क्या ऐसा होना चाहिए सजेशन कि किस तरीके से शुरुआत, जैसे जनरली क्या होता है कि किसी को क्रिकेटर भी बनना है तो उसको पता नहीं होता है कहाँ शुरुआत करना चाहिए, अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, लोग सिर्फ क्रिकेट खेलना प्रैक्टिस करना है उसका, ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर लोगे, तो क्या एक फ्लो होना चाहिए किसी के लिए कि अगर कोई शुरू कर रहा है तो यहाँ से शुरू करो, ये गलतियाँ मत करो, वो एक कुछ एक। सबसे पहले तो आपका जो एक प्रॉपर कोई एसोसिएट क्लब वगैरह रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप वहाँ जाओ, वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, वहाँ पे कोच आपको ऑलरेडी गाइड करेंगे कि नहीं अभी टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप आगे जाओगे, फिर आगे जाते आते आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाता है कि नहीं अब इसके बाद अपन को स्टेट होना है, स्टेट पर नेशनल्स होना है, थोड़ा अच्छा हो तो इंटरनेशनल कैंप, इंडिया कैंप वगैरह मिल सकता है आपको। तो जब तक आप एक एसोसिएट क्लब में नहीं जाओगे तो मतलब खेल रहे हो आप अच्छे, तो एक एसोसिएट क्लब में जाओ जो मतलब एक रजिस्टर्ड है जिससे आपको आगे खेलने का चांस मिले, राइट। जैसे हाँ प्राइवेट क्लब तो बहुत सारे हैं प्राइवेट क्लब होते हैं। ऐसा है, तो आप गली में खेल रहे हो वैसे खेल रहे हो तो कोई सेंस मोस्टली नहीं जो बनता है। गवर्नमेंट ऑथराइज वाले रहते हैं वो हाँ ज़्यादा हाँ मतलब वो बेनिफिशियल आपको उसमें रहेंगे, बेनिफिट मिल सकता है आगे बेनिफिट मिल सकता है ऐसा है। उसमें। हाँ हाँ क्योंकि वो हर साल होना ही होना है, वो होना ही तो होना है श्योरली गवर्नमेंट वही, ऑर्गेनाइज उनका काम करती ही है थे, ना कि आपको बच्चों काम को ही आगे प्रमोट भेजना है, आपको करना प्रैक्टिस है वो। करना है हाँ वही। हाँ सही है। तो और क्या बोलते हैं, जैसे फिटनेस के मामले में क्या, किस चीज़ में ध्यान, डिसिप्लिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि कितना मेहनत फिटनेस तो मैं करना ऐसा पड़ेगा? बोलता हूँ कि देखिए ये सब आपके माइंड के और डिटर्मिनेशन के ऊपर है, हाँ
मैं जब एकदम मेरी स्टार्टिंग में हाइट बढ़ी, मैं तो एकदम अपने मुझसे एक पुशअप्स लगती नहीं थी स्टार्टिंग में, लिटरली ऐसा सच बोल रहा हूँ। मतलब हाँ, ऐसा था अपन कि लगाते थे पुशअप्स, नहीं हाँ लगते थे। हाँ लिटरली ऐसा था कि मैं जैसे ग्राउंड में सर बोलते थे, देख भाई वो लड़की लगा ले रही पुशअप्स, बच्चे लगा ले रहे, तेरे से एक पुशअप्स नहीं लग रही। अब मेरे को ऐसा थोड़ा बुरा लगता था कि यार ये हाँ, कैसे है, पर मतलब मैं ट्राई वो करता सही है, कोच का काम ही वही होता था। कि आपका हाँ ईगो हर्ट करे वो। हाँ फिर और उस टाइम पे फिर ऐसा था कि नहीं यार थोड़ा तो है वीकनेस, क्या किया जाए। फिर मैं ट्राई किया धीरे धीरे, सर ने बताया कि ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा नी के बल पे स्टार्ट कर रहा था। हाँ फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पावर आने स्ट्रेंथ लगी, आने लगी। स्ट्रेंथ आने हाँ लगी, फिर धीरे धीरे फिर बनने लगी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि अभी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ आ गई कि अब ऐसा लगता ही नहीं कि भाई मैं वही था। सही बात है, तो मतलब। ये अब सब हाँ अपने माइंड के ऊपर है, एक थोड़ा एक अपने किसी चीज को ठान ले कि ये करना है जिस पे हाँ आपका इंटरेस्ट है। ऐसा मतलब मैं तो नहीं बोलता कि ठान लिया, ठान तो अपन बहुत सारी चीजें हाँ ना, सही लेकिन बात आपको है, इंटरेस्ट भी आना चाहिए उस इंटरेस्ट चीज भी में आना चाहिए। कि हाँ नहीं यार ये करना है अपन। तो एक बार आप मतलब जिस चीज में माइंड एंड इंटरेस्ट आ हार्ट गया, दोनों एक साथ हाँ काम वही, करना चाहिए ना। सही एक बार वो बात है। आपने सोच लिया कि करना है तो बस फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उसमें मतलब मजा आना चाहिए आपको, मजा वो आना जो चाहिए। एक सही, प्रोसेस होती है ना, तो उसमें बहुत 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 मतलब मजा आता है। बेसिकली कोई भी चीज़ जो बोलते हैं ना कि अपना ड्रीम फॉलो करो, ड्रीम मतलब एक ड्रीम का मतलब ये होना चाहिए कि आपको 24 घंटे और 24/7 अगर वो काम करने बोला जाए तो आप बस आंख बंद करके करने के लिए रेडी रहो उसके लिए। ऐसा नहीं कि यार छोड़ना यार ऐसा वाला नहीं, नहीं तो वो वाली चीज़ होना चाहिए। तभी तो वो एम्बिशन एक रहा ना। जैसे मैंने तेरा एक चीज़ देखा हमेशा से कि जब से तू मतलब थोड़ा एक प्रॉपर उसमें आ गया है, ऐसे तो तू आलसी है मेरे को पता है, पर जो मैंने स्पोर्ट्स को लेके जो तेरा जो मतलब हार्ड बोल सकते हैं, जो डिसिप्लिन रहा है, मतलब लिटरली ये ऐसा नहीं है कि भाई ये तो तारीफ कर रहा हूँ मैं, वैसा नहीं है। पर मैंने इसको देखा जब से थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स को लेके एक ओरिएंटेशन इसका बढ़ा हुआ है, तब से कभी भी अगर ये कितना भी ट्रैवल करके आ जाए, ये अगर इसको 6 बजे ग्राउंड जाना है तो वो ग्राउंड जाएगा। अगर वो पूरा 12 आवर्स की जर्नी करके आएगा, उसको थकान नहीं होगी, वो स्पोर्ट्स मतलब खेलने जाएगा ही जाएगा। अगर वो समहाउ अगर ग्राउंड बंद है या फिर अगर बारिश हो गई, कोई भी रीज़न है, तो वो उतनी देर वर्कआउट करेगा, अपनी बॉडी को लाइक मतलब यूज टू कर देगा उस चीज़ के लिए कि नहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मतलब जैसे कहीं खेलने जाना, रात को तुम लोगों ने काफ़ी मतलब वो वाला एक लोकल काफी टूर्नामेंट्स जो काफी है उसकी एक आध कोई एक स्टोरी ऐसी है जो वो तो बहुत ही एकदम मतलब, जैसे क्या होता है कि यहाँ आसपास में लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे गाँवों में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये लोग टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे। और खेलने कैसे जाते थे वो जर्नी ये शेयर करेगा, वो बहुत ही मतलब एक मतलब मज़ेदार वाला फन पार्ट है वो। तो वो जर्नी हम देखते, एक आध कोई स्टोरी ऐसी कि मतलब तुम एकदम आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी चले गए हो और बहुत ही भयंकर वाले चैलेंजेस आ गए हो। वो तो एक तो सबसे पहले वाला एक टूर्नामेंट था, लोकल खेलने चले गए थे हाँ ऐसे कि चलो आते हैं खेल के। उस टाइम हाँ प्राइज मनी रहता था, आप ये रजिस्टर हाँ टूर्नामेंट खेलोगे तो प्राइज मनी प्राइज नहीं मनी रहता, नहीं रहता। सिलेक्शन हाँ वगैरह रहता है। हाँ तो थोड़ा ऐसा था कि नहीं प्राइज वाला भी खेलते हैं, हम किट्स बनवाते हैं। उस टाइम रहता था कि पैसे आएंगे हाँ तो किसको पैसे आएंगे बुरे तो लग अपन, रहे हैं। हाँ हाँ तो हम फर्स्ट टाइम ऐसे खेलने चले गए, चलो चलते थे। यहाँ पे एक गाँव था 50-60 40-50 किलोमीटर था, तो वहाँ चले गए फर्स्ट टाइम बाइक से जाते थे। हाँ बाइक। उस टाइम तो बाइक भी नहीं, बस से गए थे हम उस टाइम पे। तो फिर उस ओके टाइम के हम खेले और पहला मैच ही हार गए। हम लोग कॉन्फिडेंस से गए थे कि यार जीत जाएंगे, हाँ बट गए हम पहला मैच ही हार गए वहाँ पे। क्योंकि लोकल में काफी चीजें अलग होती है एकदम, हाँ मतलब सही जैसे अपन बात है। प्रोफेशनल खेलते हैं वैसा नहीं होता, उनके रूल्स अलग हाँ होते हैं, अलग कुछ रहते हैं। हाँ ग्राउंड थोड़ा सा अलग रहता सही है। बात है। तो हम गए हार गए। फिर उसके बाद हम काफी जंगल साइड में गए थे हम खेलने यहाँ से। फिर हम वहां से आ रहे आ रहे, फिर एक हमको पता चला कि यहाँ लास्ट बस सिर्फ 4 बजे मिलती है उसके शाम को बाद। 4 बजे। हाँ और फिर अगर आपको नेक्स्ट बस चाहिए तो यहाँ से 15 किलोमीटर आपको आगे जाना पड़ेगा। तो फिर तो उन्होंने कमेटी वाले हमको बोला कि आप यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। बट हमारे दो तीन दिन फ्रेंड थे कि नहीं मुझे एक सीधा घर देखो, कुछ जॉब जाना है, पहुंचना घर पे पड़ता जाना है, रहता हम है। एक ही दिन की हाँ परमिशन लेके आए। हाँ तो जाना तो था सबको। फिर हम धीरे धीरे सबने बोले कि चलो पैदल चलते ओह जंगल से जंगल चलते। पैदल। हमने कुछ लोग बोले पागल हो क्या है, तो हाँ लेकिन एक दो दोस्त हम चल दिया, किसी से पूछे ना, उसको अकेले नहीं छोड़ोगे जंगल एरिया, सही सब बात है। साथ में है। हाँ तो फिर सब धीरे 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 चलते गए। फिर हम ऐसे 7-8 किलोमीटर बने और फिर इतनी बारिश का मौसम बना हमको, तो कितने लगता है लोग थे कि तुम? 6 ही थे पूरे एग्जैक्ट? छः, 8-9 लोग थे आठ हम नौ भी। लोग थे। हाँ फिर उस टाइम एकदम इतनी बारिश का मौसम बन गया, उस टाइम मोबाइल फोन भी इतने नहीं रहते हाँ थे, एक मोबाइल तो किसी नहीं। एक के पास एक हाँ कीपैड किसी फोन के होता था पास होता। बस। हाँ तो फिर धीरे धीरे हम गए गए आगे, फिर एकदम से काफी बारिश होने लगी और एकदम बिजली वगैरह चलने लगी, हाँ और बीच में पूरा जंगल, कुछ छुपने की जगह वगैरह अरे नहीं। तो हमने कहा आज तो गए। हाँ फिर किस्मत से ऐसा था कि हम थोड़ा आगे, तो बीच में ट्रक आ गया और ट्रक वाले ने हमको लिफ्ट दे लिफ्ट दी दे कि दिया। भाई हाँ वो आगे तक हमको दे। तो फिर वो हाँ लिफ्ट लेके हम फिर हाईवे तक गए, फिर हाईवे से वो टैक्सी वगैरह करके हम घर आए। उस टाइम के बाद से तो भाई सोचते नहीं नहीं जाए रे, रात में कभी ट्रैवल नहीं करते हैं एडवेंचर ऐसे करना है पर अकेले, इतना भी नहीं। इतना भी नहीं करते हैं। हाँ और वो ठंड वंड में जो जाते थे तुम लोग, भाई ठंड वाला इन लोग तो पागल है भाई, ये लोग बहुत उस क्रेजी। टाइम ऐसा था कि टूर्नामेंट एक
बोलते हैं ना कि जुनून जैसा कि नहीं खेलना है खेलना है। उस टाइम, ऐसा हाँ पैसे ऐसे करते हैं तो कि आप दूसरी जगह हाँ जाके आपको गेम दिखाओ, इतना गेम, गेम बनाए तो फिर हाँ किसके लिए है, सही दिखाने बात। के लिए ना हाँ ऐसा। और फिर वो पैसे, क्रेज 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 ही हाँ, रहता है और खेलने उसमें का। ऐसा रहता है कि आपको फिर पैसे वगैरह तो मिलते हैं, ऑब्वियसली पैसे का हाँ तो एक प्लस पॉइंट होता है। उसमें ऐसा रहता है कि आपको जैसे कुछ शूज वगैरह लेना है, और वॉलीबॉल के जो हाँ प्रोफेशनल शूज वगैरह आते हैं वो काफी कॉस्टली आते हैं, हाँ घर में इतना बोल नहीं सकते अपन हाँ स्टार्टिंग में कि शुरुआत यार। मतलब हाँ, वो खुद को और भी कुछ चीज लगता है ऐसा वो। लगता है कि नहीं हाँ यार ये अपन को कि लेना सही चाहिए, बात है। हाँ घर वालों को बोलेंगे इतने महंगे शूज क्या आते हैं, घर वालों को थोड़ा रहता है ना कि शुरुआत में क्या। रहता था वैसा हाँ, वाला, पर अभी तो ठीक है, अभी कोई तो आप दिक्कत सब समझते हैं, अब तो कुछ नहीं। नहीं हाँ बोलते, लेकिन उस टाइम पे था कि नहीं यार अपने इतने पैसे तो महंगे अपन, जूते हाँ आते क्या। वही तो। हाँ तो फिर उस टाइम पे ऐसा जाते थे हम काफी दूर दूर खेलने तूने के। पैसे हाँ, जोड़ के लिया था ना जूते सबसे पहले? कितने के लिया था मतलब सबसे महंगे जूते उस टाइम पे? खुद से पैसे जोड़ के कितने के लिया था? 4,000, 4,000 चार समथिंग, हजार के चार ना? हजार के हाँ शूज लिए एसिक्स ना हमने, एसिक्स के थे ना, एसिक्स के एसिक्स शूज के लिए था जूते हमने लिया उस था। टाइम, तो वही अलग ही थोड़ा आप फील आता है कि मतलब नहीं यार। सेल्फ हाँ, अर्न वाली जो फीलिंग आती वही है, ये तोहफा हमने खुद को खुद को दिया है। दिया है। हाँ सही है। ठंड वाला एक सीन याद है मेरे को, रात को 2-3 बज गया था तुम्हारा कुछ। वो तो बहुत ही कॉमन था, लोकल हमारे टूर्नामेंट होते हैं हाँ तो रात को हम लोग जा रहे हैं, वनडे टूर्नामेंट होते हैं हाँ तो पूरी रात को एकदम ठंड में, एकदम रात को 2 बजे 3 बजे फाइनल हो रहा है, फिर वहां से फिर हम ठंडी बाइक में में आ जा रहे रहे हैं, बाइक में भाई। तीन तीन ट्रेवल करके हम रात को 4 बजे आ रहे हैं, फिर एक दिन स्टे करना है, फिर नेक्स्ट दिन फिर टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं। तो मतलब काफी अरे हाँ वो एक बोलते हैं ना। एक एक टूर्नामेंट याद है मेरे को। मेरा कोई एक वहाँ पे साइट चल रहा था और वहीं किसी एक गांव में इसका टूर्नामेंट हो रहा था, तो मैं रुक गया। मैं सोचा एक बार तो देखूँ भाई का गेम एक्सपीरियंस, मैंने कभी पहले देखा नहीं था इसका गेम। याद है यहाँ पे हुआ था, सुकतरा में हुआ था गेम, है ना? तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने सोचा कि देखा जाए आज भाई का गेम। अपना गेम वेम खत्म हुआ, जीत गए थे तुम लोग, फाइनल्स उठाए थे तुमने। फिर उसके बाद याद है कि अपना 12-1 बजे का टाइम था, अपन बाइक से थे सब लोग, ठीक है? तो बाइक से थे, तो क्या हुआ था कि इनके दो दोस्तों की बाइक कहीं और थी शायद, या कुछ लेने गए थे वो लोग। तो रास्ते में जंगल पड़ता था, तो जंगली सुअर जो बोलते हैं हम, तो जंगली सुअर ने आके उनकी गाड़ी को ठोक दिया और उनका हो गया एक्सीडेंट, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर, है ना? अब उनका कॉल आ रहा है, भाई यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब हम लोग उनको लेने के लिए 7-8 किलोमीटर वहाँ गए, ठीक है? अब उसका गाड़ी तो पूरी टूट गई है ना। अब एक लड़के को लग भी गया था, बहुत ज़्यादा लग गया था। फिर उसको लेकर आए हम, लेकर आने के बाद खाना खाने बैठे ही थे हम लोग ढाबे में, खाना खाने खाना खाने ढाबा एक्चुअल खाना में खाते ढाबे में खाना खाने बैठे हैं, और कॉल आ गया था हमको कि ऐसा ऐसा हो गया, खाना कैंसिल करके। फिर उसको लेके आए अपन ने, लेके आके फिर हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके लेके गए, आए फिर। उसको एडमिट किए, उसका सब इधर उधर सब चीज़ें ठीक भी करवाए। और फिर उसके बाद फिर अगले दिन घर पे झूठ भी बोलना पड़ा था कुछ कुछ, किसी किसी लड़के के घर में ना हाँ, गाड़ी मेरे टूटने दोस्त ने, वूटने का हाँ कुछ उसके एक घर पे एक्सक्यूज़ बोले देना थे कि पड़ा था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो गया। तो वो सीन हुआ कि हॉस्पिटल में वो किए और फिर घर आए, तो ऐसे 2-3 बज गया था अपने को। तो भाई इन लोगों ने बहुत क्रेजी एडवेंचर्स किए, ये सब हरकतें किए इन लोगों ने। ठीक है। उसी कारण आज जो बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग जो ऐसा बन गए, स्ट्रांग कितना जो रफ बन एंड गए, टफ जो बन सही गए बात, वो। सिचुएशंस को फेस हाँ, करते करते ही तो इंसान। सही है, चल ये तो वॉलीबॉल की बातें तो हो गई है। अब इसको मेरे को बता कि वॉलीबॉल से तेरा ये बैंकर वाला क्या मतलब, क्या सीन कि वॉलीबॉल खेलते खेलते इतना डेडिकेटेड रहा, तो मतलब बैंकर की जर्नी अचानक से कैसे स्विच हो गई? मतलब बैंकर का तो मेरे ऐसा को तो पता मैंने, है, पर अपने जो व्यूअर्स हैं उनको तो बैंकर का तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि बैंक वगैरह में जॉब करनी है, हाँ बट एक मतलब स्टार्टिंग में एक एज के बाद पता चल गया था कि यार वॉलीबॉल में बहुत पॉलिटिक्स है, कि मतलब एक्चुअल इसमें में करियर, हाँ हाँ मतलब सही, वो इसमें, डिसीजन भी सही हाँ था एट दी एंड, वही, कि इसमें आपको स्कोप नहीं करियर है। स्कोप नहीं है, मतलब एक आपको जो चाहते हो कि नहीं, आपको एक मतलब कि इस लेवल पे पहुंचना, इतनी अर्निंग चाहिए, तो वो नहीं हो इंडिया पाएगी में तो उस टाइम। वॉलीबॉल का हाँ, सीन नहीं है। इंडिया में है, ऐसा नहीं बोलता, अपना मध्य प्रदेश स्टेट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, काफी सारे स्टेट्स हैं जो अभी भी मतलब स्पोर्ट्समैन, जैसे हरियाणा देख लो, हाँ फिर साउथ हरियाणा में देख लो, पंजाब हाँ साइड ना, तो सब जगह, लेकिन एमपी में पता नहीं, आई डोंट नो क्या है प्रॉब्लम, स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करते नहीं हैं। मिलता है। काफी हाँ सारे अच्छे प्लेयर्स हैं मेरे जो मतलब डिजर्व करते थे बहुत अच्छे लेवल एक्चुअल पे में आईपीएल खेलना। में भी अभी अभी अपने जो गिने चुने प्लेयर्स आवेश खान क्रिकेट को अय्यर तो चलो ठीक है साइड में कर दो, क्रिकेट बहुत में तो ऐसा है रेयरली, कि आप हाँ फ्रेंडशिप भी खेल रहे हो तो आपको मतलब अच्छी खासी पर वो फिर भी मिलता वही है प्रेफरेंस आपको। कभी नहीं मिला एमपी हाँ, टीम को कभी ज़्यादा। बट वही कि आपको स्पोर्ट्स में जब तक आप नॉर्मल अपने जो प्लेयर्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उनको भी एक टाइम पे तो हर किसी को करियर ऑब्वियसली बनाना है बात है, अपना, मतलब तब तक पैसा खेलेंगे वो। मतलब सबको पैसे की ज़रूरत एक वही टाइम के बाद तो, मतलब पड़ेगी कुछ ना। प्लेयर्स मेरे साथ के थे जो काफी अच्छा भी मतलब इंडिया खेला, मतलब एकदम डिजर्व करते थे, बट ये पॉलिटिक्स के कारण, एक सपोर्ट नहीं मिलने के कारण छोड़ दिए, तो फिर ऐसा लगता था अपन को भी कह दिए थे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं ये छोड़ देते, सही फिर बात अपन है। को मतलब एक हाँ और साइड में दिखरा भी था एक ना बैकअप कि प्लान तो होना चाहिए हाँ ऑलमोस्ट, और मतलब ऐसा राइट था कि पढ़ाई में पहले से था कि चलो ठीक है एटलीस्ट हाँ टॉप नहीं करना, तो मतलब बिलो भी नहीं जाना, कि एवरेज एवरेज में तो तो रहना ही ठीक है। चाहिए। तो हाँ फिर धीरे धीरे मेरा ग्रेजुएशन हुआ, अच्छे खासे नंबर से ग्रेजुएशन किया था मैंने नागपुर से, फिर
फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया नागपुर, ओ इंदौर में। हाँ फिर वहाँ पे ऐसी मजाक मजाक में मुझे एक्चुअली दूसरा कॉलेज मिला था एमबीए के लिए, हाँ लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं खेल सकता था, वो ऑटोनोमस था। तो मैंने कहा हाँ नहीं यार मतलब मैं, खेलना हाँ कनेक्टेड खेलना रहना तो चाहिए चाहता था। था कि हाँ चलो पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन साथ में स्पोर्ट्स का एक होना चाहिए। फिर मैंने दूसरे कॉलेज में, मतलब जो मुझे एक कॉलेज अलॉट हुआ था वो छोड़ के मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर वहां से भी फिर मैं एक यूनिवर्सिटी वगैरह खेला, एक मतलब 1 ही साल खेलने का, नेक्स्ट ईयर तो कोविड आ गया था तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो फर्स्ट ईयर में मैं खेला, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे कोविड वगैरह आया तो फिर उस टाइम ऐसा था कि प्लेसमेंट वगैरह आने लगे, तो उस टाइम था कि नहीं यार जॉब वगैरह भी तो करनी है, बट ऐसा नहीं था कि ठीक है लग जाएगा, ऐसा कुछ सीरियस लेते नहीं थे हम। हाँ तो अभी भी मुझे बैंक की जॉब का याद हाँ है तुम कि लोग वो क्या बोलते हैं उसको, बैक बेंचर्स थे ना तुम लोग, हाँ तो बैक बेंचर्स थे, टीचर सबसे सबसे सबका खराब था, बैचों में से सबसे एक एकदम हमारा जी सेक्शन था, एकदम सबसे फेमस था कि सबसे ए बी वाहियात सी डी भी नहीं, बच्चे जी सेक्शन सबसे था वाहियात बच्चे जी सेक्शन में आए थे, एकदम चुन चुन के आए थे बट ऐसा था कि सब थे, मतलब ऐसे मतलब करते थे बातें लेकिन ऐसा था कि सीरियस थे सब, दिखाते कोई नहीं थे लेकिन सब हाँ वो स्मार्ट है लेकिन वैसा सीरियस थे। स्मार्ट लोग जो होते हैं ना हाँ उनको दिखाना नहीं पड़ता है। वही, फिर उस टाइम पे एक बैंक सबसे फर्स्ट कंपनी, ऐसा था कि कोविड जस्ट रिलीज हुआ था तो कोविड में ऐसा था कि यार कंपनी आएंगे कि नहीं, थोड़ा सा डर बन गया था कि मतलब लोग अभी मतलब वो कर रहे हैं, लोग ले ऑफ कर रहे हैं हाँ कंप्यूटर्स के, मतलब मतलब इतना नॉन प्रॉफिट में जा सही रहे हैं बात है, तो कोई हायर कैसे डिपिंग करेगा था उस अभी, टाइम पे पूरा अपना मार्केट। हाँ इकोनॉमिक क्रैश हो गई थी सारी, मतलब इंडिया क्या सारी वर्ल्ड सभी इकोनॉमी पूरे क्रैश हो वर्ल्ड गई का। थी। हाँ फिर उस टाइम थोड़ा था कि नहीं यार जॉब तो होना चाहिए, इतना अपन एक जॉब इंडस्ट्री है, सिक्योरिटी ऑब्वियसली किसी हाँ को भी मतलब चाहिए। इसके बाद क्या अब हाँ पीजी सही भी कर बात लिया, है, उसका जॉब राइट। तो अब चाहिए। तो फिर उसके बाद जैसे मुझे अभी भी याद है कि ये ICICI बैंक आया था इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम क्या न्यू ईयर का टाइम था, तो उस टाइम सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं न्यू यार ईयर की ये बहुत क्रेजी स्टोरी है, हम लोग बताएगा भाई बताएगा फिर मैं ऐड ऑन करता हूँ उसमें। तो उस टाइम ऐसा था कि सब ऐसा था कि यार बैंक आई है इसमें, मतलब ऐसा था कि अच्छी सबसे अच्छी कंपनी बैंक एक, हाँ हाँ बैंक। मतलब वो ज्यादा थोड़ा लेके जाते थे कि अच्छा, मतलब 100 के उसमें मतलब अच्छा प्लेसमेंट था उसका, और एक टैग भी अच्छा था कि नहीं यार बैंक में स्टार्टिंग में जॉब राइट करना है ऐसा। रेप्यूटेशन एक हाँ रहता है। हाँ तो उस टाइम फिर हमने ऐसा था कि सब बोलते थे कि नहीं यार भाई इंटरव्यू वगैरह देना है, GD करना, उस टाइम ऑनलाइन था क्योंकि कोविड था तो ऑफलाइन हाँ नहीं था। मैंने बोला यार भाई मैं तो यहाँ से दूंगा नहीं, मेरा कंफर्ट जोन घर में, मैं बढ़िया कर सके हाँ न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट करूंगा वहां से दे दूंगा, मैं हाँ इतना एक सीरियस तारीख नहीं को था। था तेरा। हाँ 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 तो फिर उस टाइम ऐसा था कि हम लोग फिर घर आए, हाँ फिर घर में हमारी न्यू ईयर पार्टी थी, सारे फ्रेंड्स थे, स्कूल वाले ये भी था सब साथ साथ में, पे ही थे फिर अपना। हम पार्टी वगैरह बढ़िया करने गए, रात को एकदम पूरी फुल पार्टी आर्टी चली, एकदम रात भर रात नाचे, भर रात भर नाचे नाचे और सुबह एडवेंचर। हम लोग सफारी करने चले गए थे बिना बताए हुए, भाई लोग ढूंढते रह गए थे हम लोग, हम लोगों के फोन स्विच ऑफ हो गए थे, वो अलग स्टोरी बताऊंगा, बहुत क्रेजी अब स्टोरी उस थी। टाइम लोग मिल नहीं रहे हमें, और मेरा था GD कुछ 1 बजे का टाइम, टाइम और टाइमिंग का हम ये सीन लोग को था। 10 11 बजे तक, हाँ हम मेरे को लोग कुछ सफारी आता में पता चले गए नहीं थे कि एक्चुअली, कैसे करना है। अर्ली मॉर्निंग सफारी चले गए थे हम लोग 6 बजे वाली, तो वो 9 3 4 घंटे की सफारी थी, तो हम वही लोग 10:30 11 बजे वापस आए हाँ, थे। हमको थोड़ा लगे यार कॉल भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं, हाँ यहाँ से सबके भी मोबाइल जीडी ले डेड नहीं हो गए थे। सकते, हाँ कुछ फॉर्मल्स ले भी नहीं गए थे क्योंकि फॉर्मल्स में लेना था हाँ अपन को। फिर जैसे तैसे हमने वहाँ के सिक्योरिटी वाले से बाइक लेके इनको ढूंढे, फिर रास्ते में मिले, फिर हम फटाफट घर आए। और उस टाइम ऐसा था कि GD मतलब एकदम हंसते खेलते होता था कि क्या कोई सा सीरियसनेस टाइप नहीं थी कि चलो दे हाँ देते हैं, वो वैसा था तो कि तू ऐसा चलो ऐसा दे रहा था हाँ ना कि ये देखेंगे ना, हो जाएगा हाँ तो हो ऐसा। जाएगा। फिर पता नहीं ऐसी मजाक मजाक में GD निकल गया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने PI पर्सनल इंटरव्यू का राउंड रख दिया, पर्सनल इंटरव्यू भी ऐसे हंसते खेलते में, उसमें भी स्पोर्ट्स का काफी मुझे एक एडवांटेज मिला, उन्होंने मतलब एक कन्वर्सेशन था उसमें, कोई रिक्रूटर था उसको थोड़ा उसका नॉलेज था, तो हमारा आधा कन्वर्सेशन तो स्पोर्ट्स में ही चला ऐसा ऐसा। फिर इससे काफी चीजें रिलेट भी उन्होंने पूछा कि आप कैसे आपको रीएलोकेट करेंगे कंट्री वगैरह, तो कैसे जा सकते हैं, बोला कि मुझे ऑलरेडी ट्रैवल करने का बहुत एक्सपीरियंस है, टीम मेट्स है ये सब, तो मैं एक खुद को लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटीज रही क्वालिटी हैं। मैनेजमेंट स्किल्स सब अच्छा खासा है। टीम फिर वहां बिल्डिंग ये से वो सब। हाँ, हाँ तो फिर जैसे जैसे मुझे था कि नहीं अब तो हो जाएगा यार, मतलब इतना अच्छा इंटरव्यू गया था तो था। फिर उसके फिर एक अभी भी याद है, मैं एक टूर्नामेंट खेलने गया था जस्ट उसके 1 वीक बाद, फिर टूर्नामेंट खेलने चला गया, चलो बढ़िया हो गया GDT कि हो जाएगा ऐसा था। फिर वहाँ फिर रिजल्ट आया, फिर लिस्ट में नाम वगैरह देखा, ने कहा हाँ हाँ लग गई चलो जॉब। अब जॉब लग गई। तो फिर वहां से फिर बैंक में आया, बट बैंक में भी मैं ऐसा सोचता था कि नॉर्मल बैंक होते हैं 5 बजे 6 बजे बंद हो जाएगा, फिर अपन 6 बजे का तो मतलब ग्राउंड जाना है, बट जो फिर वहां गए फिर समझ आया नहीं भाई कॉर्पोरेट लाइफ एकदम डिफरेंट है, तो फिर आपको या तो एक चीज चूज करना पड़ेगा, तो वॉलीबॉल या फिर बैंकिंग प्रोफेशन। तूने ट्राई भी किया था बीच में कि दोनों को मैनेज करने के, पर उन नहीं मतलब मैं वो। अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं करता वॉलीबॉल मैंने छोड़ दिया, बट एक एक ऐसा है कि जो पहले जिस लेवल पे खेलते थे कि एकदम मतलब वीक में डेडिकेशन के साथ सात के आता सात दिन आपको वॉलीबॉल खेलना है, अब वो ऐसा हो गया कि 7 से 1 दिन में वीकेंड कॉम्प्रोमाइज में करना खेलना, पड़ेगा हाँ कहीं ना कहीं ऐसा है। वो। हाँ तो फिर अभी वो 7 से 1 दिन का आ गया है, 1 दिन का आ गया, मंथ में 1 दिन हो गया,
5 6 महीने में एक बार हो गया, स्पीच चेंजेस भी काफी हुए, तो फिर वो एकदम स्लो। कुछ नहीं भाई, घर भी आता है ना तो भाई को 6 बजे अभी भी ग्राउंड जाना रहता है, वो कुछ छह भी। बजे एकदम ऐसा होता है ना कि आधा से काफी लगता है कि हाँ, ऐसे ऐसे भाई नहीं कैसे ऐसे 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 करके उसको ना ग्राउंड बुलाने लगता है भाई, जाता है अभी भी जाता वो है। दारू का नशा रहता है, सिगरेट का नशा, वॉलीबॉल हाँ, का नशा वॉलीबॉल का नशा है रहता भाई को, है। ऐसा अंदर से आता है सर। तो वो वॉलीबॉल खेलने के बाद एक शाम को एक प्रैक्टिस हो जाती है, तो सेटिस्फेक्शन जैसा फील होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं यार रहता है। हाँ सही कुछ बात है। लाइफ में कुछ अच्छा किया है, कुछ सीखा है, हाँ सही अच्छा बात लगता है। तो कुछ जूनियर्स वगैरह भी रहते हैं, उनको भी टिप्स देने में अच्छा लगता है कि नहीं सेल्फ चलो अपन ने कुछ, हाँ कुछ सीखे तो सेटिस्फेक्शन। किसी को नॉलेज तो दें कम से कम सही एटलीस्ट। बात है। फ्यूचर प्लान इसके बाद अब क्या, मतलब वॉलीबॉल को क्या फ्यूचर प्लान्स है तेरे, क्या वॉलीबॉल सोच रहा है में मतलब इसके बाद? चल अभी तो बैंकर वाला तेरा सीन है अभी तो। वॉलीबॉल ऐसा है, अभी जब तक हाथ चल रहा है वॉलीबॉल तो खेलना छूटेगा नहीं। लास्ट हाँ टाइम तो बोला ऐसा है कि ठीक है, अच्छा वॉलीबॉल को छूटना भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं है। चाहता हूँ भाई कि तू वॉलीबॉल का, मैं चाहता हूँ कि आने वाले कुछ साल में बहुत अच्छा कुछ हो जाए, एक बड़ा ट्रांजिशन आए। जैसे क्रिकेट में भी एक बड़ा ट्रांजिशन बहुत अचानक से आया था कि IPL और ये सब बहुत सारा एकदम से जो हुआ कि बहुत सारे यंगस्टर्स को और बहुत सारे लोगों को स्कोप मिला। मैं चाहता हूँ कि आई रियली विश कि तू समहाउ वॉलीबॉल में मतलब तेरा वो रहे, चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है तेरा गेम और तूने वो चीज़ अचीव किया है उस तरीके से, तो यू डिज़र्व दैट। तो वो ट्रांजिशन आना चाहिए और छूटना भी नहीं चाहिए। हाँ वो तो है यार, मतलब अभी ऐसा ट्राई तो करते रहो अपन, प्रैक्टिस करते रहो, एक वो सही परमिशन बात है, रहती है कि नहीं छोड़ना अच्छा नहीं चाहिए। खेलना। हाँ हाँ छोड़ना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ अच्छी है। तो फिर उसके बाद और आगे खेलता रहेगा, आगे कंटिन्यू फिर खेलते रहना प्रैक्टिस है, कंटिन्यू रखेगा। प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। तो टूर्नामेंट अभी भी खेलने गया था टूर्नामेंट वो तो खेलते थे, वो तो नहीं एक बहुत भाई, छूटेगा। मतलब भाई का डेडिकेशन लेवल बता रहा हूँ मैं। भाई रहता दूर है ठीक है, अभी फ़िलहाल में भाई अहमदाबाद में लोकेटेड है, तो भाई को छुट्टी गिनी चुनी मिलती है, ट्रैवल में ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो भाई ने छुट्टियाँ सेव करके रखा था, भाई घर नहीं आया, छुट्टियाँ सेव किया भाई ने, और भाई टूर्नामेंट खेलने गया था एक हफ्ते के लिए। बैंक से एक हफ्ते की छुट्टी लेके टूर्नामेंट खेलने गया, घर नहीं आया भाई, घर 2 दिन के लिए आता है बस, टूर्नामेंट खेलने 6 से 7 दिन के लिए गया था भाई। इस बीच टूर्नामेंट में भाई के मैंने एक बार सगाई करवा दी, इस एक बीच बार में, शादी इस करवा बीच में मेरी शादी भी हो चुकी है, उसके बीच में मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है जो मुझे भी नहीं पता भाई कि किससे हुई है, मुझे डर ये है कि इसकी रियल में शादी होगी तो मैं क्या बोल के और रियल के लिए पता नहीं कौन सा छूट भाई पैदा करेगा या ये। ओ भाई मतलब वो गई। तो बहुत मैंने ही लिटरली वो टूर्नामेंट खेलने के लिए उसका फेक इनविटेशन कार्ड बना के अपने मैनेजर को दिया है कि सर देखो शादी आपको आना, मुझे तो पता वो आएंगे नहीं। ये इनविटेशन इनविटेशन वाला किया था तूने? और इनविट लिटरली हाँ मैंने फोटो सी एक इनविटेशन मेरी एक कार्ड फ्रेंड के साथ फोटो तूने मांगा था कि कोई एक लड़की के साथ तेरे एक फोटो भेज दे मेरे को कि दिखाना मेरे को कि हाँ ये सारी देखो इसके साथ हो रही करके। वो लास्ट टाइम नहीं, उस टाइम में किया था मैंने, उस अच्छा, टाइम लास्ट किया टाइम था। फोटो दिखाया था हाँ कि हाँ एंगेजमेंट हाँ है, अब एंगेजमेंट इनकी शादी शादी की। हो रही। ओ हाँ भाई बस मैंने एक प्लानिंग प्ले प्लानिंग ओपी भाई। एक प्ले स्टोर से बड़े ऐप डाउनलोड किया मैंने कि अरे ये क्या है, भाई एक रैंडम कोई भी लड़की अरे का वो अरे नाम अरे बनाया, अरे लोकेशन वगैरह डाला, अरे ने कहा सर आना है आपको शादी में। भाई बहुत मेरे जीवन बढ़िया में लड़की नहीं है और इनने भाई ने मेरी शादी करा चुका है भाई, गॉड लेवल प्लानिंग देख रहे हो। मैंने भी कहा वॉलीबॉल था के लिए कुछ भी करेगा भाई लड़का, पता नहीं अब अभी मेरी शादी में क्या करेगा, किसने मुझे छुट्टी लेके के आएगा। वो फेवरेट प्लेयर कौन है वॉलीबॉल का, नेशनल नेशनल में कौन है और इंटरनेशनल में कौन है? इंडिया का भी रिसेंट सबसे, मतलब मैं जिस पोजीशन में खेलता था वो तो एक जयराम मोहिनी था, केरला की टीम से खेलता है वो, मतलब काफी अच्छा है, मतलब काफी जो बोलते हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो प्लेयर। और इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक तो एंगपेथ करके फ्रांस का, वो तो मतलब एकदम गॉड है उसका, मतलब गोट। गॉड बोलेंगे क्या, गॉड बोलो उसको तो, मतलब वॉलीबॉल का जो गॉड बोलते हैं ना एकदम, मतलब उसको ऐसा है कि वॉलीबॉल में ऐसा एवरेज 6 फीट हाइट, मतलब बहुत ही कम इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा है वो भाई, इतनी कम हाइट होने के बाद भी मतलब उसका गेम ऐसा है कि एकदम नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब उसका ऐसा कोई तोड़ ही नहीं है, वो बोला जाए तो वॉलीबॉल का धोनी है। अच्छा ऐसा है एकदम मास्टरमाइंड जैसा, उसका नाइस। दिमाग एकदम बहुत वो सही चलता है। और एक ब्राजील का वॉलेस करके प्लेयर है, वो लिवरपूल खेलता था, वो भी मतलब एकदम काफी फेवरेट है वो वो, एक ऐसा हीरो टाइप का था ना, जैन क्या नाम इवान था, जैद से। इवान जैद से जैसे वो। वो भी हाँ काफी उसको बीच अच्छा था, में काफी वो फॉलो कर, उसके गेम से ज्यादा उसकी मतलब पर्सनालिटी स्टाइल को ज्यादा फॉलो स्टाइलिंग करता मस्त था, कूल लगता था वो कूल बंदा। काफी हाँ कूल हाँ लगता था हाँ वो। सही। और मतलब इसमें सबसे बेस्ट टीम कौन सी है इंटरनेशनल में? अभी रिसेंटली तो फ्रांस चल रही है, अभी जो लास्ट लास्ट वीक है, अभी एक वॉलीबॉल नेशनल लीग हुई उसमें हाँ फ्रांस ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके और अभी एक रिसेंटली जापान, जापान ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया, मतलब लास्ट टाइम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते थे, बट अभी लास्ट 2 ईयर से अभी इस साल सिल्वर मेडलिस्ट थी, लास्ट ईयर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। ब्राज़ील भी अच्छा खेलती है ना? ब्राजील का ग्राफ अभी पता नहीं, वो तो नंबर वन टीम थी हाँ लेकिन नंबर अभी वन टीम थे रिसेंटली एक दो टाइम पे। तीन हाँ साल से अभी उसका थोड़ा ग्राफ ग्राफ काफी डाउन हो डाउन गया। गया है, बट ये टीम मतलब काफी अच्छा खेल रही है अभी, मतलब ओके फ्रांस ने ऐसा है कि लास्ट अपना जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल ले थी,
उससे होपफुली देखो पेरिस में हो रहा है क्या होता है, अभी 14 days लेफ्ट है, पता चलेगा। सही है, इंडिया रिप्रेजेंट करती है ना इंडिया, नहीं इंडिया तो क्वालिफाई नहीं कर पाती, एशियन गेम्स वगैरह में अगर दे एशियन पाती गेम्स है। वगैरह में हाँ जाती है, क्वालिफाई के ओलंपिक्स लिए तो, में क्वालिफाई के लिए भी काफी काफी बड़े जर्नी क्वालिटीज उतना बाकी खत्म है। नहीं होगी ना, ऐसा नहीं, प्लेयर्स काफी अच्छे लेकिन प्लेयर्स तो क्वालिटीज उतना अच्छे। खत्म नहीं होगी हाँ तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रू, वॉलीबॉल की जर्नी बढ़िया है, सभी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। और क्या मतलब ऐसा कोई ऐसा बातें बताना चाहेगा स्पोर्ट्स को लेके, मतलब कि जैसे अब नए नए जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए कोई मैसेज। भाई मैं तो ये बोलता हूँ आजकल ऐसा है कि जिसको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मतलब वो आप एक स्टार्टिंग कम एज में आप स्पोर्ट्स में मतलब फोकस कर रहे हो। मेरा ऐसा है कि मैंने काफी लेट रियलाइज किया कि मैं इस चीज में जा सकता हूँ, काफी लेट हो गया था मैं अंडर 21 में गया जब थोड़ा सीरियस हुआ। आज ऐसा है कि अगर एकदम स्टार्टिंग से कोई ऐसा लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो एकदम का प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, एक लेवल क्लियर करते हो जाएगा तो लिए काफी इजी है, लेवल सबके इंटरनेशनल लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल तक खेल सकता है वैसा है, और स्कोप वगैरह अच्छा है जॉब वगैरह का भी उसके इसमें। लिए थोड़ा आजकल तो ऐसा सा कि गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है इस हाँ, चीज के लिए, पेरेंट्स राइट्स भी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं आजकल स्पोर्ट्स को लेके, प्रमोट काफी करने लगे हैं काफी। काफ़ी, है ना। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़े लोग देख रहे हैं ये, तो अपने बच्चे लोगों का आपको समझ में आ जाता है कि उसके ओरिएंटेशन किधर जा रहा है, इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। तो अगर वो खेलना चाह रहा है कुछ, अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको खेलना चाह रहा है कुछ खेलने और चीज देना में, चाहिए, क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट जो क्रिएटिविटी भी है में अगर उसको आप एनीथिंग, भेजो। मतलब हाँ बिल्कुल, उसको वो फ्रीडम देना बनता है। मतलब मेरे को भी ऐसी लगता है कि शायद अगर मैं उस टाइम पे पेंटिंग ड्राइंग वाला क्रिएटिव जो साइड था मेरा, शायद मेरे को अगर और गाइडेंस मिला होता किसी का उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उतना कोई समझता नहीं था, वो तो अपन एक हॉबी के फॉर्म में करते थे, पर ऐसा पता नहीं था कि इतना बड़ा वर्ल्ड भी है, क्रिएटिव वर्ल्ड है, वो बाद में मालूम चला कि ये चीज़ है। तो अगर कोई एक अच्छा गाइड मिलता अपने को पहले से, तो शायद अपन और बेटर कुछ बेटर चीज़ें डिसीजन कर कर सकते सकते थे जो अभी जो कर रहे हैं, और शायद रिफाइंड होता हो तो फ्रीडम मिले, स्कोप मिले। और अभी तो बहुत सारी ईजी हो गई हैं चीज़ें, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सभी चीज़ें हैं। तो करते रहो, जो मन करे, जो दिल लगे, बस करते जाओ, कोई नहीं, सब करो, जो मन कर रहा है वो करो, बस करते चलो, कभी भी पैशन को खुद को फॉलो स्टॉप, करो, पैशन को पैशन को फॉलो फॉलो, करो, पैशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करो। पैशन का मतलब ये और ये एक ही चीज़ के लिए फोकस 24/7, कोई भी कभी भी बोले कि ये करना है तो वो एकदम रेडी रहो उसके लिए। तो करते रहो, एन्जॉय करते रहो। और वॉलीबॉल की जर्नी भाई की बहुत बढ़िया रही है और बहुत कुछ सीखने मिला है। मतलब ऐसा है कि बातों में उतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं जो एक रियल लेवल पे जो फेस किया होता है, जो एक हर्ट होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या बिट्रेयल फ्रेंड्स से मिलता है आपको, पॉलिटिक्स होती है बीच में, और जो वो हार्डवर्क होता है वो आप बोल के नहीं दिखा सकते ना, कि मतलब मैंने हार्डवर्क किया बोलना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आपने जो इतने साल तक मेहनत की है, जो हर एक चीज़ के लिए जो वो मेहनत आई है पीछे से, तो वो सिर्फ बातों में बताना इतना ईजी नहीं है। बट समहाउ हमने ट्राई किया है कि इसको एक सम अप करें, इसको एक पूरी एक जर्नी को एक छोटे फॉर्म में। तो ये जर्नी रही है और कुछ। एक बात जो बोलता है ना, अपन जो हार्डवर्क एक इतने पैशन के साथ कर रहे हैं तो वो चीज़ ऐसा है कि आप एक एज के बाद आपका एक टैग आ जाता है कि गेम डाउन हुआ कुछ हुआ, लेकिन आपको जो एक स्पोर्ट्स से, आप स्पोर्ट्स से पर्टिकुलर एक फील्ड में एक टैग लग जाता है। जैसे अभी मैं बैंक में जॉब करता हूँ, कोई भी करता हूँ, तो एक मेरी क्या पर्सनैलिटी बन गई कि सब मेरे को बोलते हैं मैं वॉलीबॉल प्लेयर है। अभी मतलब वॉलीबॉल प्लेयर के नाम से वॉलीबॉल जानते प्लेयर हैं के अभी, नाम से जानते उनको हैं। बैंक में हाँ, जॉब करता हूँ और ना वो सर। कमाना पड़ता है, वो हाँ कमाई हुई एक वो चीज़ टैग है। जो लग गया ना तो मतलब काफी अच्छा लगता है कि मतलब सही बात बैंक में है। भी काफी लोग आते हैं और पर्सनैलिटी खुलते हैं, आप कौन सा गेम खेलते थे, इसमें क्यों आ गए, मैं ठीक है आ गया, अब क्या करें, डेस्टिनी बोलते हैं ना जो सही बात है। हाँ, बिल्कुल। एंड करें, और कुछ बोलना चाहेगा, कुछ इसका इंस्पिरेशनल पार्ट वर्ड्स पार्ट 2 के लिए भी थोड़ा बचा के पार्ट टू के लिए बचा के रखते हैं। अरे रखते हमारे पास तो बहुत एक से क्रेजी स्टोरीज, अभी तो काफ़ी फॉर्मल टाइप का, काफी ये लंबा हो काफ़ी लंबा हो जाएगा। गया ऑलरेडी वैसे ही। और अभी हमारे स्पेशल यू का टीम आना यहाँ बाकी है, सबसे जो मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट पॉडकास्ट अगर होगा, सबसे बेस्ट स्टोरीज अगर सुनने मिलेंगी तो हमारे यू का गैंग के साथ। मैं नाम मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में, हमारे भाई युवराज, यू का हम लोगों का एक इनिशियल नेम का वो है, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि इट विल कम एज अ प्रोमो। युवराज फॉर वाई, यू फॉर उज्ज्वल उज्ज्वल, सी फॉर चिराग, ए फॉर अभिषेक, अनुपम, अमय। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा एक यू का ग्रुप हमेशा से था, बचपन से था। व्लॉग्स आप पुराने जाके ज़रूर देखिएगा। और ये वाला जो पॉडकास्ट होगा सबसे क्रेजी, सबसे फनी और सबसे बेस्ट पॉडकास्ट में से होगा, और वो बहुत ही जल्दी होगा। हम लोग सब एक रीयूनियन प्लान करेंगे बहुत ही जल्दी, कोई भी एक फेस्टिवल ज़रूर हो जाएगा वो, और फिर लेके आएंगे आपके पास इधर उधर की ढेर सारी बातें। तो जब तब तक तो फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, एक और नए गेस्ट के साथ, और फिर से हम करेंगे ढेर सारी इधर उधर की बातें। थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना,
शेयर भी कर देना अगर बहुत ही अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लेना यार, क्या ही जा रहा है। मिलते हैं, चलो, थैंक यू अनुपम फॉर ओके ज्वाइनिंग मी फाइनली मुझे पॉडकास्ट देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अहमदाबाद से तुम आए, चेक आ जाना चाहिए। पहले मैं इसकी एनालिटिक्स चेक कर लेता हूँ, तब मैं चेक का सोचूंगा। बैंकर वाले मतलब प्रूफ कर ही दोगे तुम बैंकर बनकर, चेक के नीचे उतर नहीं रहे। चलेगा, इज ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।